bismillahirrahmanirrahim alaikum today we will study chapter number 17 nervous coordination this is the first lecture of chapter number 17 in this lecture we will study about the nervous coordination steps involved in nervous coordination neuron types of neuron and structure of neuron and reflex arc but before going towards these topics यू मस्ट नो अबाउट द कोऑर्डिनेशन. व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन क्या है कोऑर्डिनेशन हमारे इन्वामेंट में डिफरेंट चेंजेस आती हैं तो उन चेंजेस को हमारे बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स देती है जब रिस्पॉन्स देती है तो उसके लिए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एक साथ कम्बाइन होकर रिस्पॉन्स प्रिपेयर करते हैं और वो रिस्पॉन्स आगे क्या होता है प्रोड्यूस होता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कॉर्डिनेशन द वर्किंग टूगेदर ऑफ़ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी जब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स आपस में एक साथ काम करें इन अ प्रॉपर मैनर टू प्रोड्यूस अप्रॉप्रिएट रिएक्शन टू अ स्टमस जब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स एक साथ काम करें ताकि वो क्या प्रोड्यूस कर सके एक प्रॉपर रिएक्शन प्रोड्यूस कर सके और वो रिएक्शन किसका होगा स्टिमुलस के अगेंस्ट होगा मीन्स स्टिमुलस क्या है स्टिमुलस इज़ एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट एनी चेंज इन एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस एनी चेंज इन एनवायरनमेंट ठीक है तो एनवायरनमेंट में जो भी चेंज आता है उसे कहा जाता है स्टिमुलस उस चेंज को रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो एक साथ काम करते हैं और दिस इस प्रोसेस को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में टू डिफरेंट टाइप्स के कोऑर्डिनेशन होते हैं ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं तो उन डिफरेंट एक्टिविटीज़ को uh, को रिस्पॉन्स देने के लिए हमारे बॉडी में टू टाइप्स के कोऑर्डिनेशन है नंबर वन इज़ नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड सेकेंड वन इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन इन दिस लेक्चर और इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन नर्वस कोऑर्डिनेशन, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन को हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल्स स्टडी करेंगे तो पहले आते फर्स्ट कम टू वर्ड्स नर्वस कोऑर्डिनेशन। वट इज़ नर्विस कॉर्डिनेशन नर्विस कॉर्डिनेशन उस टाइप कोऑर्डिनेशन को कहते हैं जो कि नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है जिसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है मीन्स अ टाइप ऑफ कॉर्डिनेशन इन विच नर्विस सिस्टम इज़ इन्वॉल्व उस कॉर्डिनेशन को कहा जाता है नर्विस कॉर्डिनेशन अब नर्वस सिस्टम में डिफ़रेंट पार्ट्स हैं उसके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जो कि इस कोऑर्डिनेशन को कंडक्ट करते हैं और वो हमारे पास क्या है वो हम आगे बढ़ेंगे लेकिन नर्वस सिस्टम का जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसे कहा जाता है न्यूरॉन न्यूरॉन हमारे पास बेसिक फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का नर्व द सिस्टम ऑफ़ द बॉडी दैट प्रोवाइड्स कॉर्डिनेशन थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स नर्विस सिस्टम हमारे बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो कि कॉर्डीनेशन प्रोवाइड करता है थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स अब इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमारे बॉडी के अंदर किस तरह से प्रोड्यूस होंगे उसके लिए हमें किसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती बल्कि डिफरेंट केमिकल्स और डिफरेंट आइन्स जो होते हैं उनके थ्रू तो क्या प्रोड्यूस हो जाती है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं इसमें किसी भी किस्म की इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती स्पेशलाइज्ड सेल्स आर इन्वॉल्व कॉर न्यूरॉन्स इस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को जनरेट करने में स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं उसे कहा जाता है न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स को फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं नर्वस सिस्टम का अब हम वो सारे स्टेप्स पढ़ते हैं वन बाय वन जो कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है और ये पूरा प्रोसेस किस तरह सिस्टमेटिक वे में होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन में मेनली थ्री स्टेप्स इन्वॉल्व है फर्स्ट वन हमारे पास है रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस सेकेंड वन इज़ प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड थर्ड वन इज़ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस फर्स्ट जो है रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस रिसेप्शन मीन रिसीव करना जब स्टिमुलस को हम क्या करते हैं हमारी बॉडी रिसीव करती है तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा जब स्टिमुलस रिसीव होगा तो उसके बाद ही आगे कुछ बात बढ़ेगी सेकेंड थिंग हमारे पास सेकेंड स्टेप है वो है प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन जब स्टिमुलस रिसीव हो जाता है बॉडी को उस स्टिमुलस को रिस्पांस देने के लिए उसे रिएक्शन देने के लिए जो स्टिमुलस है उसे को पूरा प्रोसेस करते हैं जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है प्रोसेसिंग में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड देखते हैं कि कौन से टाइप का स्टिमुलस है और उससे किस तरह का रिएक्शन प्रोवाइड होगा और फाइनली क्या हो जाता है रिस्पॉन्स देते हैं तो स्टिमुलस थ्रू वेरियस इफेक्टर्स अब हम वन बाय वन इसको देखते हैं रिसेप्शन ऑफ स्टेमस कि स्टिमुलस है या स्टेमलाइज होते हैं जो कि चेंज होते हैं इन्वामेंट में उससे हमारे बॉडी किस तरह से रिसीव करती हैं कौन से ऑर्गन होते हैं या कौन से सेल्स होते हैं जो कि स्टेमुलस को रिसीव करते हैं स्टेमुलस को रिसीव किया जाता है बाय रिसेप्टर्स और ट्रांसड्यूसर ठीक है रिसेप्टर क्या होता है ये एक कम्प्लीट ऑर्गन भी हो सकता है या सिंगल सेल भी ले सकते हैं वैसे या जो न्यूरॉन होता है इसके स्ट्रक्चर को हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं न्यूरॉन के एक एंड होती है जो कि सेंसिटिव होती हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं जब भी स्टिमुलस रिसीव होता है बॉडी को तो यह रिसेप्टर पूरा ऑर्गन भी हो सकता है सिंगल सेल भी हो सकता है न्यूरॉन की एंडिंग्स भी हो सकती है स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद जितनी भी जो इंफॉर्मेशन रिसेप्टर रिसीव कर लेता है उसे आगे ट्रांसमिट किया जाता है टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसका रिएक्शन प्रोड्यूस करके उसे प्रोसेस करके प्रोसेस करने के बाद उसका रिएक्शन प्रोड्यूस करके उसे आगे इफ़ेक्टर तक पहुंच जाता है ताकि इफेक्टर उसे रिस्पॉन्स दे सके स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर सके अब रिसेप्टर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं और ये टाइप्स किसके बेसिस पर हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमोलाए कि कौन से किस्म के स्टेमोलाए रिसीव होती हैं तो क्या कौन से किस्म के रिसेप्टर्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के स्टमोलाए को रिसीव करते हैं अब इसमें फर्स्ट आप देखते हैं फर्स्ट नंबर है फ़ोटो रिसेप्टर्स फ़ोटो मीन्स लाइट तो ये वो रिसेप्टर्स हैं जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं अगर ब्राइट लाइट आती है तो भी फोटो रिसेप्टर्स स्टमोलेट होते हैं अगर डल लाइट आती है तो भी इस्टमुलेट होते हैं तो ये देखते हैं कि कौन से टाइप के लाइट हैं और इसे हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है अगर लाइट सपोज़ हमारी आई है आई पर अगर हम बहुत ही ब्राइट लाइट को फॉल करें तो ला, हमारी आइज़ बंद हो जाती है ठीक है तो ये एक रिस्पॉन्स होता है जो कि फोटो रिसेप्टर्स प्रोवाइड करते हैं फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं आइज़ में जो कि रॉड्स एंड कॉन् सेल्स हैं इन द रेटिना ऑफ आई आई की जो रेटिना है उसमें स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं रॉड्स एंड कौन सेल्स और ये दोनों सेल्स हमारे पास क्या है फोटो रिसेप्टर्स है जो कि डिटेक्ट करती है लाइट स्टमोलाई को सेकेंड वन हमारे पास है कीमो रिसेप्टर्स कीमो का जो वर्ड है दिस इज़ यूज फॉर केमिकल तो ये डिफरेंट टाइप के केमिकल्स को डिटेक्ट करेगा अब केमिकल्स में हमारे पास आइंस भी आ सकते हैं मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं कीमो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं कीमो रिसेप्टर्स हमारे नोज़ में और हमारे टंग में प्रेजेंट होते हैं नोज़ के नेजल एपिथेलियम पे प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये डिफरेंट जो स्मेल्स होती हैं केमिकल्स की उसे कौन डिटेक्ट करता है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी नोज डिटेक्ट करती हैं सेकंड अगर हम उसे टच करते हैं टंग के साथ तो हमारी टांग में उसे डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये कोई केमिकल है और इसके अलावा ये प्रेजेंट होते हैं इन हाइपोथैलेमस क्योंकि हाइपोथैलेमस में भी जो डिफरेंट आइन्स होते हैं उनकी कंसनट्रेशन होती है डिफरेंट जो केमिकल्स होते हैं उसे डिटेक्ट किया जाता है नेक्स्ट वन इज़ मिकैनो रिसेप्टर मकैनो मीन्स का जो मैकेनो का वर्ड है ये निकला है मकैनिकल से मीन स्ट्रेस या प्रेशर या पोजीशन की वजह से पोजीशन की स्टेमोलाई को जो रिसीव करता है उस टाइप के रिसेप्टर्स को कहा जाता है रिसेप्टर्स डिटेक्ट चेंजेस इन प्रेशर पोजीशन फॉर एग्जांपल मिजनर्स कारपस इन स्किन अगर हमारे स्किन पर किसी भी किस्म का प्रेशर डाला जाए तो उसे कौन डिटेक्ट करेगा मकैनो रिसेप्ट डिटेक्ट करेगा इसके अलावा बैरोप्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि मैकेनो रिसेप्टर ही है प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स की वॉल्स में ब्लड वेसल्स के वॉल्स जो है वहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं बैरोप्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड के प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं और इसके अलावा हमारे पास है पेसिनियन स्कॉट वेसल इन स्किन स्किन में हमारे पास दो किस्म के क्या प्रेजेंट होते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं एक हमारे पास है मेजनर्स जो कि टच को या प्रेशर को क्या करता है डिटेक्ट करता है मिजनेस जो है किसको करता है टच या प्रेशर को ठीक है ये करता है टच और प्रेशर को और सेकंड हमारे पास जो है पेसिनियन कॉर्पसल्स पेसिनियन कॉर्पसल्स क्या है स्किन में प्रेजेंट होते हैं और ये भी किसको करते हैं प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं ठीक है नेक्स्ट वन इज थर्मोरिससेप्टर थर्मो मीन्स टेम्परेचर थर्मो हीट से निकलाएँ तो ये किसको डिटेक्ट करेगा टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा जो कि स्किन में प्रेजेंट होते हैं और स्किन से कितर ही हम जब टच करते हैं तो हमें पता चलता है कि आ, कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है एंड लास्ट वन इज़ नोज रिसेप्टर जो कि डिटेक्ट करता है पेन को यहाँ पर फिगर में आपके पास डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स हैं ये तो आपको दिखाई दे रहे हैं फोटो रिसेप्टर्स जो कि रिटर्न में प्रेजेंट होते हैं ये हमारे पास हीयरिंग रिसेप्टर्स है स्मेल के रिसेप्टर्स हैं टेस्ट के और ये नर्व एंडिंग इस तरह से होती है नर्व एंडिंग ठीक है ये हमारे पास नर्व एंडिंग और ये हमारे पास क्या है स्किन के मेजनर कारपस्टल जो कि टच को रिसीव करते हैं जो स्टेमोलाय जिससे टच के थ्रू हमें पता चलता है उसे रिसीव करते हैं सेकेंड स्टेप हमारे पास है प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जब स्टेमोलाई को रिसीव कर लिया रिसेप्टर्स ने डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर्स हमारे पास जब उसके थ्रू स्टेमलाई रिसीव हो जाता है तो आगे क्या होता है कि जो सेंसरी uh, इंफॉर्मेशन होती है या सेंसरी जो इनपुट होता है आर रिसीव्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक है सेंसरी इनपुट या सेंसरी यहाँ पर आपको यह जब स्लाइड्स आप अलग से देखेंगे तो उसमें आपको ये क्लियर दिखाई देगा सेंसरी इनपुट जो होता है सेंसरी इनपुट आर रिसीव्ड बाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक है आर रिसीव बाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम यूनस ठीक है जब रिसप्टर इंफॉमेशन रिसीव कर लेते हैं तो उसे आगे फॉरवर्ड करते हैं थ्रू इंटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होती है इसकी प्रोसेसिंग होती है एक्टर्स कोर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो पार्ट्स आते हैं एक हमारे पास है ब्रेन और दूसरा हमारे पास क्या है प्लस हमारे पास है स्पाइनल कार्ड ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड क्या करते हैं ये हमारे पास स्टेमोलाई की जो इंफॉर्मेशन होती है उसे प्रोसेस करते हैं कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज़ फर्दर प्रोसेस्ड फॉर प्रॉपर रिस्पॉन्स बाई स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरानस कार्ड इंटरमीडिएट न्यूरॉन इंटरमीडिएट न्यूर के थ्रू क्या क्या जाता है इसे फिर आगे इफेक्ट मोटो न्यूरॉन को दिया जाता है और मोटो न्यूरॉन पर इसे क्या करते हैं पहुँचाते हैं इंटरमीडिएट का मतलब है कि इन बिटवीन प्रजेंट होता है जब रिसेप्टर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं तो उसके लिए हमारे पास होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स ये हम आगे पढ़ते हैं डिटेल से सेंसरी न्यूरॉन होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जब ये पहुँचाते हैं तो दरमियान में प्रेजेंट होता है इंटरमीडिएट न्यूरॉन इंटरमीडिएट न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान का फंक्शन करता है कि सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन ले सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर मोटर न्यूरॉन तक पहुंच जाता है मींस ये क्या करता है इंटरमीडिएट पे है तो इससे इंफॉर्मेशन लेके पहुंच जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक और फिर यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेकर इसे आगे फॉरवर्ड करता है मोटर तो न्यूरॉन्स ये इंटरमीडिएट है दोनों का फंक्शन करता है बिटवीन में प्रेजेंट है लास्ट स्टेप इज़ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस जब इंफॉर्मेशन जो होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रोसेस हो जाती है रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाता है उस रिएक्शन को आगे पहुंचाते हैं किसको इफेक्टर तक पहुंचाया जाता है बाय मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर पर क्या करते हैं उस रिस्पांस को शो करते हैं तो इस तरह थ्री स्टेप्स के थ्रू तो क्या करते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन फंक्शन करते हैं सबसे पहले स्टिमुलस को रिसीव किया जाता है थ्रू रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स क्या करते हैं उसे रिसीव करते हैं रिसेप्टर्स रिसीव करने के बाद उसे आगे पहुँच जाते हैं इन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसे प्रोसेस करके ठीक है प्रोसेस करके आगे उसे क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करके इसे वापस पहुँचा देते हैं इन टू इफ़ेक्ट तो इस तरह से पूरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये फंक्शन परफॉर्म करता है प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन का यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हैं स्टिमुलस जब आता है स्टिमुलस को कौन रिसीव कर लेता है रिसेप्टर रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करता है टू तो कंट्रोल सेंटर कंट्रोल सेंटर में हमारे पास अगेन आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड ब्रेन प्लस हमारे पास आता है स्पाइनल कार्ड ठीक है स्पाइनल कार्ड स्पाइनल कॉर्ड प्रोसेस करने के बाद इसे आगे पहुंच जाता है मोटर न्यूरॉन तक मोटर न्यूरॉन रिस्पांस को फॉरवर्ड करता है इंटू इफेक्टर और इफैक्टर क्या शो कर देता है रिस्पांस शो करते हैं तो इस तरह पूरा एक साइकिल कंटिन्यू होता है इन केस ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन अब आगे हमारे पास है न्यूरोन्स न्यूरॉन्स क्या है वट आर न्यूरॉन्स न्यूरॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम ये स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो कि स्टिमुलस को रिसीव भी करते हैं उसे ट्रांसमिट करके इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट करते हैं ठीक है रिसीव करने के बाद प्रोसेस करने के बाद इसे आगे ट्रांसमिट करते हैं रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग का काम जो है ये किसका काम है ये न्यूरस का काम है जबकि प्रोसेसिंग का काम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है तो न्यूरॉन हमारे पास स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जो कि स्टिमुलस को रिसीव भी करते हैं और इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट भी करते हैं टू द इफ़ेक्टर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर है उसमें थ्री मेन पार्ट्स होते हैं सेल बॉडी इसको आप सिंगल सेल बॉडी डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं फिगर में आपके पास ये क्या है ये जो आपको येलो कलर में नज़र है हमारे पास क्या है सेल बॉडी इसके जो आउटर ब्रांचेज एक्सटेंशन है इसे कहा जाता है डेंड्राइट्स एंड इसका लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास एक्सॉन ठीक है ये जो पूरा हमारे पास है एक्सॉन और ये इसका एंडिंग है एग्जॉन टर्मिनल सेल बॉडी इज कॉल्ड न्यूरॉन सेल बॉडी ये न्यूरॉन की सेल बॉडी इसलिए इसे कहा जाता है न्यूरॉन सेल बॉडी इसके अंदर सारे साइटोप्लाज्मिक और गल प्रेजेंट होते हैं जिस तरह के एक नॉर्मल सेल के साइटोप्लाज्मिक प्रेजेंट होते हैं और साथ में इसे क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है जो आप यहाँ देख सकते हैं और न्यूक्लियस के अलावा यहाँ पर एक ग्रैन ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उसे कहा जाता है नेसल्स ग्रेन्यूल जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बाकी ये सेल की तरह इसका साइटोप्लाज्म क्या करता है कंटेन्स ऑल दी ऑर्गेनलीज जो कि एक नॉर्मल सेल में होती हैं और इससे जो एक्सटेंशन निकली होती हैं ये हमारे पास क्या है डेंड्राइट्स अब सेल बॉडी का क्या फंक्शन है इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस कंटेन डिफरेंट ऑर्गेनलीज एंड नेसल्स ग्रेन्यूल्स ठीक है जो हमने पढ़ लिया दीज आर ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अब नेजल ग्रेन्यूल्स जो हमने उस दिन बात थी कि हमारे पास क्या है ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्मा में प्रजेंट होते हैं ऑफ सेल बॉडी ये क्या हमारे पास है ग्रुप ऑफ रॉइबोसोम्स एंड रफ एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम जब रोसोम रफ एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम कम्बाइन हो जाते हैं तो वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो बनाते हैं प्रोटीन्स प्रोटीन की सिंथिस करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है डेंड्राइड्स डेंड्राइट्स क्या हैं ब्रांच साइडो एक्सटेंशन जो कि आपकी फिगर आपने फिगर में देखी यहाँ पर आप दोबारा भी देख लें ये हमारे पास क्या है एक्सटेंशन है साइटोप्लाज्म से जो एक्सटेंशन निकली है उसे कहा जाता है डेंड्राइट्स डेंड्राइट्स का क्या फंक्शन है हमारे पास विच टेपर्ड टेप अलॉन्ग लेंथ शॉर्ट एंड थिन शॉर्ट होते हैं उसके साइज़ भी क्या होता है थिन होता है ठीक है पतले से होते हैं थिन और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है रिसीव करता है स्टेमोलाई को और आके इसको कंडक्ट करता है इनटू द सेल बॉडी ठीक है रिसीव स्टमोलाय और कंडक्ट करता है इसको सेल बॉडी एग्जाम ऑफ अदर न्यूरॉन्स फॉर्म साइन विद डेंड्राइट्स अब सैन क्या होता है साइन हमारे पास एक एम्प्टी स्पेस होता है जंक्शन होता है अब हमारे पास एक डेंड्राइट है ठीक है एक सेल हमारे पास पूरा एक न्यूरॉन प्रेजेंट है लेट सपोज ये हमारे पास एक न्यूरॉन प्रेजेंट है ठीक है ये इसके डेंड्राइट्स है अब जब यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन अटैच होता है तो उसका यहाँ पर एग्जॉन आएगा एग्जॉन टर्मिनल होंगे और इस फर्स्ट वन जो है इसके हमारे पास ये होंगे डेंड्राइट्स और इसके हमारे पास होगा एग्ज़ोन टर्मिनल तो इन दोनों के दरमियान जो गैप प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं साइना तो ये किस थ्रू होता है डेंड्राइट्स और नेक्स्ट न्यूरॉन के एग्ज़ान टर्मिनल की वजह से एग्ज़ॉन हमारे पास क्या है एग्ज़ान हमारे पास एक लॉन्ग थिक फाइबर होती है जो इस तरह की लॉन्ग थिक फाइबर होती है इसके कुछ न्यूरॉन्स में इससे आगे ब्रांचेस एक्सटेंड हुई होती हैं लेकिन कुछ में ब्रांचेस नहीं होती मे बी ब्रांच और अनब्रांच एग्जॉन टर्मिनेट बाय ब्रांचिंग टू फॉर्म प्री साइनाप्टिक टर्मिनल्स जो हमने यहाँ पर बात की ये हमारे पास क्या है प्री साइनाप्टिक टर्मिनल्स होते हैं इसके कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम सेल बॉडी टू प्री साइनाप्टिक टर्मिनल अब ये क्या करता है यहाँ सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन लेके एक्शन पोटेंशियल को कैरी करके यहाँ पर जो एग्जॉन टर्मिनल होता है उस तक पहुँचाते हैं और यहाँ पर दूसरा हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है डेंड्राइट प्रजेंट होता है उस डेंड्राइट इनके दरमियान जो जंक्शन होता है उस तक ये कैरी करते हैं तो ईज़ोन का ये फंक्शन है कि एक्शन पोटेंशियल को कैरी करता है सेल बॉडी से और इसे पहुँचाता है प्री साइलैप्टिक टर्मिनल तक इट कंडक्ट सिग्नल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी ये सेल बॉडी से सिग्नल्स को दूर ले जाता है जबकि डेंड्राइट इसके ऑपोजिट फंक्शन करता है डेंड्राइट कंडक्ट सिग्नल टूवर्ड्स द सेल बॉडी सेल बॉडी के सेल बॉडी की तरफ ले जाता है जबकि एग्जॉन जो है वो सिग्नल कंडक्ट करता है अवे फ्रॉम सेल बॉडी आगे हमारे पास क्या है माइलिन शीट एंड शमान सेल्स नर्वस सिस्टम में हमारे पास कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उसे कहा जाता है ग्लायल सेल्स और न्यूरोप्लेया ठीक है ये सेल्स हमारे पास ये सेल्स क्या करते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं सेल्स को इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन इंसुलेशन और नरिशमेंट ये स्पेशल टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं एग्जॉन पे ठीक है एग्जॉन्स पर प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या है इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्रोटेक्शन इंसुलेशन और नरिशमेंट ग्लायल सेल्स सपोर्ट नरिश एंड प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स श्वान सेल्स आर न्यूरोग्लियल सेल्स इन पैरफ्रल नर्वस सिस्टम या आप आगे पढ़ेंगे कि वट इज़ पैरफ्रल नर्वस सिस्टम इट इज स्ट्रिप लाइक सेल्स विच रैप अराउंड एग्जॉन फाइबर श्वान सेल्स हमारे पास क्या होते हैं आप आगे डायग्राम देख लेंगे कि उसमें क्या होता है शॉल जो हमारे पास पूरा एग्जॉन होता है उसमें स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह के जो स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है और वो क्या करते हैं कवर्ड बाय फैटी सब्सटेंस और इसी सेल्स को इन्हीं सेल्स को क्या क्या होता है एक फैटी सब्सटेंस का एक लेयर होता है उसने इसे प्रोटेक्ट किया होता है जो कि इंसुलेशन में हेल्प करता है ठीक है नीचे हमारे पास एक एग्जॉन पूरा एक एग्जॉन लेयर है एग्जॉन में क्या प्रेजेंट है स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स है उसे कहा जाता है श्वान सेल्स और श्वान सेल्स को ऊपर से कवर क्या होता है फैटी सब्सटेंस और उसे कहा जाता है माइलिन शीट जो कि इंसुलेटर का, का काम करता है यहाँ पर अगर आप फिगर देखें तो फिगर में आपको यहाँ पर दिखाई देगा इस फिगर में नहीं आगे एक फिगर है उसमें आपको क्लियरली दिखाई देगा कि हमारे पास इस तरह के सेल्स ये हमारे पास आपको जो दिखाई दे रही है हमारे पास क्या है श्वान सेल्स होते हैं और इसके ऊपर एक लेयर जो आपको ये ब्लैक कलर की नज़र आ रही है ब्लैक कलर में जो लेयर है इसे कहा जाता है माइलिन शीट और जिन न्यूरोन्स पर माइलिन शीट प्रेजेंट होते हैं वो क्विकली स्टिमुलस को इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं एज़ कम्पेयर टू तो नॉन माइलिनेटेड शीट और इसकी वजह से क्या कहते हैं माइलिनेटेड फाइबर क्योंकि इस पर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है एक फैटी एसिड का प्रोटेक्टिंग कवर प्रेजेंट होता है नॉन माइलिनेटेड पार्ट बिटवीन टू टू सेल्स आर कॉल्ड नोड ऑफ रनवी दो जो हमारे पास सेल्स होते हैं इनके दरमियान एक एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होता है और उसे कहा जाता है नोड ऑफ फ्रनवी जिस पर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती ये इस तरह के सेपरेट सेल्स होते हैं और हर एक सेल पे सेपरेटली मायरीन शीट प्रेजेंट होती हैं तो इनके दरमियान ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है जो आपको ग्रीन कलर में गैप दिखाई दे रहा है इसे क्या कहा जाता है नोड ऑफ रनवे न्यूरॉन हमारे पास क्या है थ्री टाइप्स के होते हैं बेस्ड अपॉन द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन न्यूरॉन आर ऑफ थ्री टाइप्स थ्री टाइप्स के हमारे पास न्यूरॉन है फर्स्ट वन इज सेंसरी न्यूरॉन सेकंड वन इज मोटर न्यूरॉन एंड थर्ड वन इज़ इंटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन का क्या फंक्शन है यहाँ पर आप इन तीनों के आप डायग्राम में देखिए फिगर में सेंसरी न्यूरॉन हमारे पास मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है कि ये रिसेप्टेड से इंफॉर्मेशन दे के सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँच जाता है और इसके अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो सिंगल एक ही इससे क्या निकला हुआ है एक ही सेल बॉडीज के सेंटर में प्रेजेंट है देखिए कैरी कैरियम्पल्सिस फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन and conducted to central nervous system cell body as at the end of short stalk the branches at one end are connected to the receptor yahan par aap dekhiye ye iski cell body hai theek hai ye kya hai iski cell body jisme nucleus present hai aur iske यहाँ पर ये हमारे पास है dendrites और ये dendrites attach होते हैं receptors के साथ और ये इसका क्या है Axon terminal ये आगे पहुँचाते हैं information को central nervous system तक तो sensory neuron का structure इस तरह का होता है कि उसकी जो सेल बॉडी होती है वो बिल्कुल इधर टॉप पे प्रेजेंट नहीं होती वो इस तरह थोड़ी सी नीचे एक एंड पे होती है और डेंड्राइट्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं रिसेप्टर्स के साथ जबकि एग्जाम टर्मिनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जबकि हमारे पास जो मोटर न्यूर है वो इसके ऑपोजिट है मोटर न्यूर में क्या होता है कंडक्ट इम्पल्स अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेंड्राइट्स में कॉन्टेक्ट विद अदर न्यूरॉन जिसकी हमने पिछले स्लाइड में बात की है द टर्मिनल ब्रांचिज एट द फार एंड आर कनेक्टेड टू एन अफेक्टर यह हमारे पास क्या है मोटर न्यूर मोटर न्यूर में क्या होता है ये जो पार्ट है इसका यह अटैच होता है किसके साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, साथ या दूसरे न्यूरॉन के साथ तो दूसरे न्यूरॉन के थ्रू क्या होते हैं सिग्नल्स ट्रांसमिट होकर इस तक पहुंचती है और इसका जो एग्जॉन टर्मिनल है ये अटैच होता है इफेक्टर के साथ और ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है इफेक्टर को ताकि वो रिस्पॉन्स शो करे जबकि जो इंटर न्यूरॉन होता है उसके दोनों तरफ से एक्सटेंशन गई होती है वन साइड पे अटैच होता है सेंसरी न्यूरॉन के साथ जबकि दूसरे साइड से अटैच होता है मोटर न्यूरॉन के साथ कन्वे मैसेज बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्जान इज कम्पेरेटिवली थिन एंड नॉन माइलिनेटेड तो इसमें जो ट्रांसमिशन होगी उस वो क्या होगी स्लो होगी अक्करली विद इन नर्वस सिस्टम और ये थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है और क्या करता है इन्फॉमेशन की कनेक्ट करता है इसको सेंसर न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन के साथ इसी दरमियान जो कनेक्शन होती है जो इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसमिट होती है तो वो फंक्शन कौन करता है इंटर न्यूरॉन करता है इसलिए इसके दोनों तरफ पे क्या थी आपको ब्रांचेस दिखाई दे रही थी द लार्जर एंड थिकर द एग्जॉन द फास्टर इट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन अगर एग्जॉन क्या होगा उसकी लेंथ ज़्यादा होगी और वो थिक होगा तो क्या आगे ट्रांसमिशन फास्ट होगी और अगर ये एग्जॉन माइलिनेटेड होगा तब भी ट्रांसमिशन ज़्यादा फास्ट होगी मच फास्टर होगी न्यूरॉन्स हैविंग ऑनली वन फाइबर रेडिएटिंग फ्राम सेल बॉडी इज़ कॉल्ड यूनिपोलर जिसका सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटेंशन होता है एक, 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 एक फ़ाइबर सेल बॉडी से निकला होता है उसे कहा जाता है यूनिपोलर जिसके सेल बॉडी से दो टू फाइबर्स निकले होते हैं उसे कहा जाता है बायपोलर जबकि जि, जि, जिसके उससे ज़्यादा जिसके सेल बॉडी से ज़्यादा फाइबर्स निकले होते हैं उसे कहा जाता है मल्टीपोलर यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारे पास क्या है यूनिपोलर ये हमारे पास क्या है सेल बॉडी है और सेल बॉडी से सिंगल एक एक्सटेंशन निकला हुआ है ठीक है ये हमारे पास क्या है बायपोलर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे हमारे पास क्या है दो एक्सटेंशन एक ही हमारे पास और एक ही यह यहाँ पर सिंगल एक्सटेंशन यहाँ पर निकला हुआ है जबकि मल्टीपोलर में सेल बॉडीज से हमारे पास क्या है वेरियस एक्सटेंशन निकले होते हैं ठीक है यहाँ आप देख सकते हैं मल्टी फाइबर्स निकले होते हैं यहाँ पर आपको किसी भी किस्म का फाइबर दिखाई नहीं देता सिर्फ यहाँ पर एक फ़ाइबर है ठीक है यहाँ पर हमारे पास वन और ये हमारे पास क्या है टू फाइबर्स जबकि हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स ये हमारे पास क्या है मोर है टू इसे कहा जाता है मल्टीपोलर और ये किसकी नेचर होती है मोटर न्यूरॉन की जबकि यूनिपोलर किसकी नेचर होती है सेंसरी न्यूरॉन्स होते, है, होते हैं यूनिपोलर और इंटर न्यूरॉन्स होते हैं बाईपोलर वो दोनों तरफ क्या करते हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्स आर्क व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क रिफ्लेक्स आर्क क्या है रिफ्लेक्स आर्क हमारे पास उस रिस्पॉन्स कहते हैं जो कि क्या होता है uh, सॉरी रिफ्लेक्स एक्शन उस रिस्पांस को कहते हैं जो कि इन्वॉलेंट्री होता है अचानक होता है जिसमें हमारा ब्रेन थिंक नहीं कर सकता तो उसे सोचने का टाइम नहीं मिलता तो जब ये पूरा एक रिफ्लेक्स एक्शन का जो हमारे पास पूरा एक पाथवे होता है उस पाथवे को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन में नर्व इम्पल्स जिस पाथवे को फॉलो करते हैं उस पाथवे को कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन हमारे पास क्या होता है स्पॉन्टेनियस मीन्स इमेज होता है इनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं होता एक ऐसे एक्शन जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते और अचानक हो जाते इसमें आपको सोचने का मौका भी नहीं मिलता लेट सपोज अगर आपके पास एक हॉट आयरन है और आपका ध्यान नहीं होता आप गलती से हॉट आयरन को टच करते हैं तो जैसे ही टच करेंगे तो आप एकदम तो हाथ को क्या करेंगे पीछे हटा देते हैं इस तरह अगर आप शार्प निडल के साथ आपका फिंगर लाइटली भी टच हो जाते हैं स्लाइटली तो आप एकदम से अपने फिंगर को हटा लेते हैं तो इस तरह के एक्शन को कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन अगर एकदम से लाइट बहुत ब्राइट लाइट आती है आपके आइज़ में तो आप आप इमीजिएटली क्या कर लेते हैं अपने आइस को तो क्लोज कर लेते हैं इस तरह के रिएक्शन इस तरह के एक्शन को कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन और इन रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान नर्व एम्पल्स जो पाथवे फॉलो करते हैं उस पाथवे को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क ठीक है अब हम रिफ्लेक्स आर्क की एग्जाम्पल देखेंगे और हम देखते हैं रिफ्लेक्स आर्क में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इन्वाल्व होता है रिसेप्टर जो कि स्टेमोलाय को रिसीव करेगा नेक्स्ट हमारे पास होगा सेंसरी न्यूरॉन जो इसको ट्रांसमिट करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इसके बाद हमारे पास इंटर न्यूरॉन कैरी करेगा इफार्मेशन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाएगा और मोटर न्यूरॉन क्या करेगा इसको आगे इफेक्टर तक पहुंचाएगा और इफेक्टर रिस्पॉन्स शो करेगा तो ये फाइव डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं इन द रिफ्लेक्स आर्क अब देखते हैं कि इन फाइव का क्या क्या रोल है फर्स्ट हमारे पास क्या है फ़र्स्ट हमने देखा हमारे पास है रिसेप्टर यहाँ पर आप फिक्र में देखें रिसेप्टर ने किया कि अब यहाँ पर हीट के स्टिमुलस को रिसीव किया रिसेप्टर ने रिसेप्टर इसको कैरी करेगा थ्रू सेंसरी न्यूरॉन और एफरेंट भी इसे कहते हैं एफरेंट वो होते हैं जो कि सेंसरी ऑर्गन से या रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन कैरी करके सेंट्रल रीजन तक जाते हैं ठीक है जो मेन सेंटर होता है इंटीग्रेशन सेंटर तक पहुंच जाते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है रिसीव कर लेता है रिसेप्टर स्टिमुलस को रिसीव करता है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ये पूरे पाथ उसको क्रॉस करके सेंसरी न्यूरॉन या एफरे न्यूरॉन के थ्रू इसको क्रॉस करके कहाँ तक पहुँचाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक रिफ्लेक्स आर्क में आपने ये बात याद रखनी है कि रिफ्लेक्स आर्क में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि इसमें हम सोचते नहीं हैं सोचने का टाइम इसमें नहीं होता ये विद इन अ फ्यू सेकेंड या मिली सेकेंड में ये हो जाता है तो स्पाइनल कॉर्ड इसमें इन्वॉल्व होता है जबकि ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसमिट करेंगे कहाँ को स्पाइनल कॉर्ड तक स्पाइनल कॉर्ड क्या करेंगे इंटीग्रेशन सेंटर है यहाँ पर प्रोसेस करके विद इन मिले मिले सेकेंड इसी को कहाँ पहुँचाएंगे इंटर न्यूर को देंगे और इंटर न्यूर आगे इसी को पहुँचाएगा मोटर न्यूर तक और मोटर न्यूर क्या करेगा इफेक्टर तक मीन्स हमारे हाथ की इस रीजन तक पहुँचाएगा और हम एकदम से अपना हाथ पीछे कर करेंगे यहाँ ना हाथ क्या कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट कर, कर लेंगे तो इस पूरे पाथवे को कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क फॉर एग्ज़ाम्पल वैन यूर हैंड टच इज शार्प और हॉट ऑब्जेक्ट सेंसरी न्यूरो प्रेजेंट इन द स्किन आर स्टमोलेटेड प्रेफरल ब्रांच ऑफ सेंसरी न्यूरो ट्रांसमिट इम्पल्स टू द डॉसर रूट गेंगलियॉन इम्पल्सिस कैरी टू स्पाइनल कार्ड बाई सेंट्रल ब्रांच ऑफ सेंसरी न्यूर जो कि एफरेंट हमारे पास न्यूरो होते हैं और उस क्या करते हैं एसोसिएटेड न्यूरो आर स्टेमुलेटेड क्या है? जब स्पाइनल uh, कार्ड तक पहुँच जाता है प्रोसेस होने के बाद इंटर न्यूरो क्या करते हैं उसे एसोसिएट न्यूरो बी कहा जाता है इंटर न्यूरोस को एसोसिएटेड न्यूरॉन्स भी कहते हैं तो वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और इन्फॉर्मेशन को कैरी करेंगे टूवर्ड्स मोटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे बाइसेप मसल्स को कॉन्टैक्ट करेंगे और हमारा क्या हो जाएगा रिफ्लेक्स एक्शन का पूरा पाथवे कंप्लीट हो जाएगा तो ये हमारे पास किया था आज का लेक्चर था जिसमें हमने स्टडी किया है पाथवे जो हमारे पास था नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अलावा हमने टाइप स्टडी किए न्यूरॉन के हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा न्यूरॉन के क्या स्ट्रक्चर है न्यूरॉन से कौन से टाइप्स हैं or reflex reflex arc thank you so much bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum today we will study lecture number two of chapter number 17 nervous coordination in this lecture we will study about the nerve impulse synapse and organization of human nervous system first come towards the nerve impulse what is nerve impulse नर्व इम्पल्स क्या है हमारे पास नर्व इंपल्स हमारे पास वो इंफॉर्मेशन होती हैं या वो सिग्नल होता है जो कि स्टिमुलस के थ्रू हमारे बॉडी को रिसीव होता है और हमारे बॉडी उसे पूरा प्रोसेस करके उसे रिस्पॉन्ड करती हैं तो स्टिमुलस को जो रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया जाता है पूरा पाथवे है उसे कहा जाता है नर्व इम्पल्स लाइट सपोज अगर हम किसी भी हॉट या कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो टच करने के साथ ही हमारे बॉडी को जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं उन्हें पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में क्या हुआ है कोई स्टिमुलस आया है और फिर उसको कैरी करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसे प्रोसेस करके इफेक्टर तक पहुंच जाता है ताकि वो उसे रिस्पांस दे सकें तो पूरा पाथवे जो सेंसरी रिसेप्टर से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आता है और उसके बाद वो इफेक्टर तक पहुंचता है तो पूरा जो पाथवे होता है इस पाथवे को कहा जाता है नर्व इम्पल्स नर्व पम्पल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सिग्नल कैरी होता है इसको कैरी करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स इसे कैरी करते हैं इसलिए इसे क्या कहा जाता है नर्व पम्पल्स एक्चुअली नर्व पम्पल्स क्या है हमारे पास नर्व पम्पल्स इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टिमुलस क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो कि स्टिमुलस रिसीव होता है हमारे बॉडी को उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है और उसे ट्रांसमिट किया जाता है फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल सिस्टम में क्या आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड और ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से इसे आगे प्रोसेस करके फाइनली रिसीव कौन करता है इफेक्ट इसे रिसीव करता है अब ये जो पूरा नर्व इम्पल्स है पूरी जो इंफॉर्मेशन की पाथवे वे हैं ये किस फॉर्म में होती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल तो वेव के फॉर्म में वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज अब इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज किस तरह होती है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ठीक है जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ये लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी बिजली की वजह से जनरेट नहीं होती बल्कि केमिकल्स की ग्रेडियंट की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती हैं वो केमिकल्स जिन पे आयन प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से क्या होती हैं इलेक्ट्रिसिटी बनती है हमारी बॉडी में और उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके एक, एक, एक स्टिमुलस को आगे प्रोसेस किया जाता है उसका पूरा पाथवे जो होता है उसे फॉलो किया जाता है एक नर्व इम्पल्स जनरेट होता है

और ये हमारे पास क्या है आउटसाइड द मेम्ब्रेन तो इनसाइड और आउटसाइड जो केमिकल आइंस की मूवमेंट होती है उसकी वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होती है उसे कहा जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास टू टाइप्स की है दो फॉर्म में होती है मेम्ब्रेन की पोटेंशियल एक हमारे पास है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और दूसरा हमारे पास है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल उस टाइम जनरेट होता है जब हमारी बॉडी को किसी भी किस्म का स्टिमुलस रिसीव नहीं होता बॉडी रेस्ट में होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन मीन्स कि मेम्ब्रेन इस टाइम रेस्ट कंडीशन में किसी भी किस्म का स्टिमुलस या किसी भी किस्म का नर्व इम्पल्स मौजूद नहीं है बॉडी में तो उस टाइम जो पोटेंशियल होता है उसे कहा जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जबकि एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल उस टाइम के पोटेंशियल को कहते हैं जब हमारी बॉडी एक स्टिमुलस को रिसीव करती हैं और जो न्यूरॉन होता है उसके मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में जो चेंजेस आती हैं न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं तो उसकी वजह से एक्टिव होने के बाद जो इनका मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उसे कहा जाता है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग मेंब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग में में क्या होता है जब भी कोई न्यूरॉन रेस्ट में होता है लेट सपोज ये हमारे पास एक न्यूरॉन है अगर उसका हम कोई भी पार्ट जूम करके देंगे तो उसमें क्या होते हैं जब रेस्ट में होता है किसी भी किस्म का स्टिमुलस नहीं होता किसी भी किस्म का चेंज हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स ने अभी तक रिसीव नहीं किया होता तो क्या होता है मेम्ब्रेन जो होता है मोर पॉजिटिव आउटर सरफेस आउटसाइड जो होता है वो मोर पॉजिटिव होता है और इनसाइड जो होता है वो मोर नेगेटिव होता है कुछ इस तरह से फिर इसकी प्रोटेंशन होती है ठीक है इस तरह से होता है सोडियम आयन जो होते हैं वो आउटसाइड ज़्यादा होते हैं, है हैं जबकि पोटेशियम जो होते हैं वो इनसाइड ज़्यादा होते हैं रेस्टिंग में क्या होता है हमारे पास मोर सोडियम ठीक है मोर सोडियम हमारे पास आउटसाइड ज़्यादा होते हैं जबकि पोटेशियम जो होते हैं वो इन ज़्यादा होते हैं मोर पोटेशियम इनसाइड ठीक है इस तरह से इसकी अरेंजमेंट हुई होती है और इस टाइम जो इसकी पोटेंशियल होती है उसको हम किस तरह से लिखते हैं माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट माइनस सेवेंटी माइनस साइन इसलिए आता है क्योंकि इन जो होता है वो नेगेटिव जब इन नेगेटिव होता है तो उसके साथ माइनस का साइन लगता है और मिली वोल्ट मीन्स के सेवेंटी बाई थाउजेंट वोल्ट मीन्स के थाउजेंड का जो सेवनटी पार्ट होता है माइनस सेवनटी मिली वोल्ट इस टाइम जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो क्या होती है अन एकवल डिस्ट्रीब्यूशन न्यूरॉन इज सपोज टू बी एड रेस्ट अन एकवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइंस ऑन टू साइड्स और मैम पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास माइनस सेवनटी मिली वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्टिव मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आइंस दोनों पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है द कंसनट्रेशन ऑफ पोटेशियम इज़ थर्टी टाइम्स ग्रेटर इनसाइड जब मैमब्रेन रेस्टिंग कंडीशन में होता है तो हमने पिछले स्लाइड में बात की कि पोटेशियम की कन्सनट्रेशन इन साइड ज़्यादा होती हैं तो थर्टी टाइम्स वो ज़्यादा होता है जितना बाहर होता है उसके थर्टी टाइम्स उसकी कंसन्ट्रेशन ज़्यादा होती हैं इनसाइड द मेम्ब्रेन जबकि जो सोडियम होता है वो आउटसाइड टेन टाइम्स ग्रेटर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू इनसाइड सोडियम की कंसनट्रेशन आउटसाइड जितनी प्रेजेंट है वो टेन टाइम्स ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द कंसनट्रेशन प्रेजेंट इन साइड द मेम्रीन दीज आइंस कंटीन्यूसली मूव अगेंस्ट देयर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये आइंस जो होते हैं कंटीनियली मूव करते हैं इनकी मूवमेंट के लिए क्या चाहिए होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इसलिए इसे क्या कहते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी क्या होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूवमेंट होती है लेकिन उसमें एनर्जी की यूज़ होती है जब एनर्जी यूज़ करते हैं तो उसे कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसे ट्रांसपोर्ट में किसी भी किस्म की एनर्जी यूज नहीं होती फॉर एवरी टू पोटेशियम दैट मूव्स इनवर्ड वर्ड देर आर सोडियम थ्री सोडियम पम्प्ड आउट सो इनसाइड बिकम मोर नगेटिव दैन आउटसाइड इनसाइड इसलिए ज़्यादा नगेटिव होता है क्योंकि अगर हमारे पास तीन सोडियम बाहर आते हैं ठीक है थ्री सोडियम हमारे पास बाहर आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दो पोटेशियम क्या जाएंगे अंदर जाएंगे जिसकी वजह से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ आ जाएंगे और अंदर का जो एरिया होगा वो नेगेटिव रह जाएगा ज़्यादा सोडियम थ्री यहाँ पर बाहर आ रहे तो मीन ज़्यादा पॉजिटिव बाहर आ गए जबकि टू पोटेशियम अंदर जा रहे हैं जिससे ये जाहिर होता है कि हमारे पास पॉजिटिव जो होंगे वो अंदर की तरफ से ज़्यादा बाहर की तरफ निकल आएंगे और जिसकी वजह से इनसाइड हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा जबकि आउटसाइड हमारे पास पॉजिटिव रह जाएगा ठीक है ये हमारे पास क्या है फिगर है देखिए इसमें आपको क्लियरली नज़र आएगा ये जो हमारे पास मौजूदी ये हमारे पास क्या है कुछ गेट्स है सोडियम और पोटेशियम की गेट्स है जिसके थ्रू सोडियम और पोटेशियम मूव करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन ये हमारे पास होते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ठीक है ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स क्या करते हैं सोडियम और पोटेशियम की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है ये देखिए आप ए टी पी एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है फॉर थ्री देखिए तीन हमारे पास सोडियम है थ्री सोडियम के लिए यहाँ पर एक ए टी पी की यूज़ किया जा रहा है ए टी पी की यूज़ करते हैं तो थ्री सोडियम आइंस जो थे वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं जो कि आप इधर फिगर में देख सकते हैं कि तीन सौ सोडियम आइंस आउटसाइड गए हैं जबकि पोटेशियम जगे वो सिर्फ़ और सिर्फ दो पोटाशियम इनसाइड आएंगे जिसकी वजह से आउटसाइड पे सोडियम की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी मोर पॉजिटिव ज़्यादा पॉजिटिव आइंस आउटसाइड ज़्यादा हो जाएंगे जबकि इनसाइड हमारे पास सोडियम जो है वो कम रह जाएंगे जिसकी वजह से इन साइड जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर आप देखिए आउटसाइड द दे सेल सोडियम इज ग्रेटर देन पोटेशियम नेट पॉजिटिव चार्ज आ जा जाता है आउटसाइड पे जबकि इनसाइड द सेल पोटेशियम इज ग्रेटर देन आउट देन सोडियम नेट चार्ज हमारे पास किया जाता है नेगेटिव और ये मूवमेंट होती है थ्रू स्पेशल जो गेट्स होते हैं सोडियम और पोटेशियम के लिए जो गेट्स होते हैं उसके थ्रू मूवमेंट होती है आइंस की अक्रॉस द द मेम्ब्रेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट अब हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ एक्टिव एक्टिव मेमब्रेन पोटेंशियल एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्शन हो रहा होता है स्टिमुलस जब आता है तो उसकी इंफॉर्मेशन पर क्या होती है एक्शन होता है इसमें क्या होता है जो हमने रेस्टिंग स्टेज पढ़ा है ये उसके अपोजिट होता है रेस्टिंग कंडीशन में हमने ये पढ़ लिया था कि उसका नेगेटिव इनसाइड ज़्यादा होता है जबकि आउटसाइड जो होता है मेम्ब्रेन पॉजिटिव होता है जबकि जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो इसके अगेंस्ट होता है उसमें पॉजिटिव इनसाइड मोर पॉजिटिव इनसाइड जबकि मेम्ब्रेन का आउटसाइड जो होता है वो नेगेटिव होता है ये तब होता है जब हमारे बॉडी को किसी भी किस्म का स्टिमुलस रिसीव हो जाता है और उस स्टिमुलस में इतनी एबिलिटी होती हैं कि वो न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर सके स्टिमुलेट कर सके जब न्यूरॉन एक्टिवेट होते हैं तो उस उनका जो पूरा मेम्ब्रेन होता है उसकी आ, पोटेंशियल जो होता है वो चेंज हो जाता है पोटेंशियल किस तरह चेंज होता है पोटेंशियल इस तरह चेंज हो जाता है रेस्टिंग कंडीशन में जो सोडियम के गेट्स होते हैं जिसके थ्रू सोडियम मूव करता है वो गेट्स क्लोज हो जाते हैं सोडियम के जो गेट्स होते हैं जिसके थ्रू सोडियम आउटसाइड मूवमेंट करता है वो क्लोज हो जाते हैं लेकिन जैसे ही कोई मेमब्रेन जब स्टमुलस uh, आता है uh, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं मतलब वो स्टिमुलस जिसमें कैपेसिटी हो होती है जो कि मेम्ब्रेन न्यूरॉन के मेम्ब्रेन को एक्टिव कर सके उसे स्टिमुलेट कर सके तो स्टिमुलेट होने के बाद जो सोडियम के हमारे पास चैनल्स होते हैं या सोडियम के जो गेट्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं जब सोडियम के गेट्स ओपन होंगे तो सोडियम आउटसाइड से इनसाइड की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर लेगा आउटसाइड से क्या करेगा मूवमेंट इनसाइड की तरफ मूवमेंट करेगा आउटसाइड से इनसाइड जब मूवमेंट करता है तो थ्री सोडियम एट अ टाइम मूव करते हैं इनसाइड जब ज़्यादा सोडियम uh, अंदर की तरफ जाएंगे तो इनसाइड क्या हो जाएगा मोर पॉजिटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव uh, बाहरी की तरफ कम रह जाएंगे जिसकी वजह से आउटसाइड जो होगा हमारे पास वो नेगेटिव हो जाएगा मोर पॉजिटिव इनसाइड यहाँ पर डिपोलराइज स्टेट स्टेट को कहते हैं जब रेस्टिंग के अपोज़िट क्या हो जाता है पोटेंशियल हो जाता है पॉजिटिव इनसाइड ज़्यादा हो जाता है जबकि आउटसाइड नेगेटिव आ जाता है इसे कहते हैं डीपोलराइज स्टेट इससे पहले जो हमारे पास ये वाली कंडीशन थी जहाँ पर नेट पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड ज़्यादा था और नेट नेगेटिव चार्ज इनसाइड ज़्यादा था इस तरह का कुछ कंडीशन थी कि नेगेटिव ज़्यादा है इसे कहते हैं पोलराइज स्टेट ये हमारे पास क्या है पोलराइज स्टेट है जबकि ये हमारे पास है डी स्टेट जो इसकी ऑपोजिट है इसमें पॉजिटिव इनसाइड है जबकि नेगेटिव आउटसाइड है मोर पॉजिटिव इनसाइड ऑफ न्यूर ऑन दैन आउटसाइड दिस अकर्स आफ्टर रिसीविंग स्टेमुलस ये तब होता है जब हम किसी भी किस्म का स्टेमुलस रिसीव करते हैं अपेयर्स फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है फ्यू सेकेंड्स में होता है क्योंकि आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंफॉमेशन इफेक्ट तक पहुँचानी होती है विदिन मिली सेकेंड्स तो इसलिए ये कोई घंटे के लिए या कोई बीस पच्चीस मिनट के लिए नहीं होता कुछ सेकेंड्स में ही ये क्या हो जाता है

दोबारा लानी होती है जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होती है एक्शन पोटेंशियल इज इस्टेब्लिश बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स थ्रेशोल्ड स्टिमुलस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस उस स्टिमुलस में कहते हैं जिसमें कैपेसिटी होती है जो कि सोडियम के गेट्स को ओपन कर सके जो कि न्यूरॉन को स्टेमुलेट कर सके और इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज को कंडक्ट करवा सके मीन्स टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज इस कॉल थ्रेश होल्ड स्टेमलस अगर कभी कभी आपको कोई मच्छर काटता है और आपको फील नहीं होता तो इट मीन्स कि वो जो स्टेमुलस होता है वो हमारे पास सब थ्रेश होल्ड होते हैं या इनएडिकुट होता है स्टेमुलस तो रिसीव हो गया लेकिन वो उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी जिसकी वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज आ सके न्यूरॉन में तो उस टाइप के स्टेमलस को कहते हैं सब थ्रेश होल्ड और इनएडिकुएट स्टिमुलस लेकिन वो स्टेमल्स जो कि आपके न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करें उसमें केमिकल चेंजेस लेकर आए उसे कहा जाता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आइंस इसकी भी हमने बात कर ली जब स्टिमुलस रिसीव होता है तो सोडियम के गेट्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं सोडियम के गेट्स ओपन होते हैं तो ज़्यादा सोडियम इनसाइड मूव करता है जिसकी वजह से इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आइंस की वजह से इनसाइड जो हमारे पास होता है मेम्ब्रेन का वो पॉजिटिव हो जाता है जबकि आउटसाइड नेगेटिव हो जाता है वे न्यूरान फाइबर स्टिमुलेट बाई थ्रेशॉल्ट स्टमुलस इट बिकम मोर परमीएबल फॉर सोडियम एंड पोटेशियम यू टू ओपनिंग ऑफ वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स वो वाले गेट्स जिसके थ्रू सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं मूवमेंट करते हैं अक्रॉस द मेमब्रेन जब त्रेशॉल्ट स्टेमुलस रिसीव होता है तो त्रेशॉर्ट स्टेमुलस की वजह से जो मेम्ब्रेन में गेट्स प्रजेंट होते हैं सोडियम और पोटेशियम के वो ओपन हो जाते हैं और सोडियम जो होता है वो इन साइड मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं जबकि पोटेशियम आउटसाइड मूवमेंट करता है जब थ्री सोडियम बाहर आएंगे अंदर जाएंगे सॉरी तो दो पोटेशियम बाहर की तरफ आएंगे तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इनसाइड चला जाएगा ये हमारे पास है एक्शन पोटेंशियल का पूरा ग्राफ यहाँ पर हमारे पास क्या है माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट ये हमारे पास पूरा क्या है रेस्टिंग कंडीशन रेस्टिंग कंडीशन के बाद जैसे ही आपको दिखाई दे स्टिमुलस रिसीव होता है और स्टिमुलस अगर थ्रेशोल्ड से, से कम है ये हमारे पास थ्रेशोल्ड पॉइंट है अगर इससे कम है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता आप देख सकते हैं ये सिर्फ इधर तक के आए ग्राफ और वापस नीचे आए एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ किसी भी किस्म की डिपोराइजेशन नहीं हुई लेकिन अगर स्टेमोलर्स की वैल्यू पहुंच जाती है हैं त्रेशोल्ट लेट सपोज हमारे पास क्या है माइनस फिफ्टी फाइव मिली वोल्ट जो कि ग्रेटर नंबर है एज़ कम्पेयर टू माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट जब स्टेबुलस इतना पावरफुल होता है कि वो त्रिशोल्ड तक पहुंच सके त्रिशोल्ड स्टेबुलस की वजह से क्या हो जाती है डिपोलराइजेशन होती है सोडियम आइंस इनसाइड मूवमेंट करते हैं देखिए सोडियम आइन्स इन सोडियम आइंस इन साइड मूवमेंट करते हैं तो डीप जो मेम्ब्रेन होता है वो डिपोलराइज हो जाता है और एक्शन पोटेंशल जनरेट हो जाता है लेकिन ये हमारे पास बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है और दोबारा से हमने इस एरिया को क्या करना होता है पोलराइज स्टेट में लाना होता है ताकि जब नेक्स्ट स्टिमुलस रिसीव हो बॉडी को तो ये दोबारा से एक्शन पोटेंशियल या डीपोलराइज स्टेट में कन्वर्ट हो सके तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोबारा रीपोलराइजेशन होती है रीपोलराइजेशन में क्या होता है जो पोटेशियम आइन्स होते हैं वो आउटसाइड मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जब पोटेशियम आयन हमारे पास बाहर की तरफ आज, आना शुरू हो जाते हैं तो अंदर नेगेटिव रह जाते हैं और बाहर पोटेशियम की वजह से पॉजिटिव आइज़ की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती हैं जिसकी वजह से ये दोबारा पोलराइज स्टेट में आ जाता है जो कि हमारे पास क्या होता है मोर नेगेटिव इनसाइड जबकि मोर पॉजिटिव आउटसाइड कंडीशन में होती है यहाँ पर इस तरह नेगेटिव इनसाइड होगा जबकि आउटसाइन हमारे पास पॉजिटिव होगा ये हमारे पास क्या है रीपोलराइजेशन मीन्स के दोबारा पोल पोलराइज स्टेट में आ गया समाइम्स जो हमारे पास इनसाइड होता है वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है जब वो नॉर्मल लिमिट से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है मीन माइनस सेवेंटी से ये बहुत नेगेटिव हो जाता है तो उसे कहा जाता है हाइपर पोलराइजेशन लेकिन इसको दोबारा क्या करते हैं सो जब सोडियम पोटेशियम आइंस को दोबारा अंदर की तरफ लाया ला जाता है तो ये दोबारा वापस रेस्टिंग स्टेट में आ जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको फाइव लिखा है यहाँ पर भी फाइव तो ये दोनों हमारे पास क्या है सेम कंडीशन यहाँ पर भी रेस्ट में है और यहाँ पर भी ये रेस्टिंग कंडीशन में है अब ये टाइम आप देखिए टाइम हमारे पास क्या है फाइव मिली सेकेंड में ये पूरा प्रोसेस हो जाता है जिसमें हमारे पास क्या होता है पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन हाइपर पोलराइजेशन और दोबारा रेस्टिंग स्टेज सोडियम आयन मूव्स इनवर्ड बाय डिफ्यूजन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंजेस फ्रॉम माइनस सेवेंटी मिली वोल्टू वर्ड जीरो एंड देन रे रीज टू फिफ्टी मिली वोट जो कि पॉजिटिव है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या होगा जीरो और उसके बाद पॉजिटिव तक ये पहुँच गया ठीक है ये देखिए पॉजिटिव दिस रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी अक्रॉस मेम्रेन इज कॉल्ड डी पोलराइजेशन जी हाँ जिसमें पोलेरिटी क्या हो जाती है रिवर्स हो जाती है इसे कहा जाता है डीपोलराइजेशन दिस लास्ट फॉर अबाउट वन मिली सेकेंड वह एक मिली सेकेंड तक ये लास्ट करता है उसके बाद ये दोबारा क्या होगा रीपोलराइज uh, होगा एट द पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल इट इज़ कॉल्ड एज द स्पाइक पोटेंशियल द परमेबिलिटी ऑफ़ द मेम्ब्रेन ऑफ सोडियम आइ इंस डिक्रीज स्पाइक पोटेंशियल मीन्स जब पीक पे पहुँच जाता है यहाँ पर जब पीक पे पहुँच गया तो इसके बाद मेमब्रेन जो होता है उसकी परमेबिलिटी सोडियम के लिए कम हो जाती है फिर ज़्यादा इनसाइड मूवमेंट ये नहीं कर सकता जबकि पोटेशियम क्या करता है फिर आउटसाइड मूवमेंट स्टार्ट कर लेता है ये हमारे पास है रेस्टिंग पोटेंशियल रेस्टिंग पोटेंशियल में आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव बाहर ज़्यादा है जबकि नेगेटिव हमारे पास इनसाइड ज़्यादा है ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जबकि जब डिपोलराइजेशन जब होती है तो हमारे पास जो इनसाइड होता है वो पॉजिटिव हो जाता है जबकि आउटसाइड हमारे पास नेगेटिव हो जाता है रिपोलराइजेशन में सेम वही कंडीशन होती है जो कि रेस्टिंग पोटेंशियल में होती है और इसके बाद हमारे पास क्या है बैक टू रेस्टिंग पोटेंशियल दोबारा आ जाता है रेस्टिंग पोटेंशियल तक जो कि इसकी ये वाली और ये हमारे पास दोनों क्या हो जाएगा सेम होगा और ये रेडी हो जाएगा टू रिसीव नेक्स्ट स्टिमुलस मेम्ब्रेन बिकम मोर परमीएबल टू पोटेशियम आइंस पोटेशियम आइंस के लिए परमिएबल हो जाता है ताकि वो क्या कर ले बाहर की तरफ मूव कर सकें रिपोलराइजेशन को अचीव करने के लिए नाउ सोडियम गेट्स आर क्लोज पोटेशियम गेट्स आर ओपन मेम्ब्रेन रीगेन इट्स ओरिजिनल पोलरिटी कॉल रिपोलराइजेशन और इस पूरे पीरियड को कहा जाता है रिफ्रैक्ट्री पीरियड जिसमें रिपोलराइजेशन होती है जिसमें ये दोबारा रिकवर करता है द रिकवरी पीरियड ऑफ नर्व फाइबर इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्ट्री पीरियड ये जो टाइम जितना इसमें यूज़ होता है जितने टाइम ये होता है उस टाइम पीरियड को कहा जाता है रिफ्रैक्ट्री पीरियड जिसमें मेम्ब्रेन डीप स्टेट से डीप स्टेट से कन्वर्ट हो जाता है इन टू स्टेट में Types of nerve impulse participali clear resting membrane potential or active membrane potential. It's an electrical current that travels along dendrites or axons due to ions moving through voltage-gated channels in the neuron's plasma membrane. Voltage-gated channels open and close in response to an electrical voltage, so they are affected by changes in electrical charge around them. When a neuron is at rest, a charge difference is maintained between the inside and outside of the cell. This charge difference is produced and maintained largely by active transport using sodium potassium pumps. The pumps send sodium ions out of the cell and bring potassium ions in. While other channels allow some flow of potassium ions back out of the cell, the sodium ions cannot easily get back in to replace the lost positive charges. The overall result is that the exterior of the cell has a net positive charge and the interior has a net negative charge. The difference in charge between the interior and exterior of the cell is called the resting membrane potential. A nerve impulse begins when a stimulus disturbs the plasma membrane on a dendrite, causing sodium channels to open. Sodium ions flow into the cell, lessening the charge difference at that location. If the change is enough, it will cause nearby voltage gated sodium channels to open. This allows so many sodium ions to flood into the cell at that location that the membrane there is depolarized, with the local region inside the cell having a net positive charge and the outside of the cell having a net negative charge. This affects neighboring voltage gated sodium channels, which then open, moving the depolarization along the membrane. This moving depolarization is called an action potential. Changes occur behind the action potential to restore the resting membrane potential. The voltage gated sodium channels close and voltage gated potassium channels open. This allows a rapid flow of potassium ions out of the cell repolarizing the membrane so that the inside is again negative and the outside positive. This is followed by use of sodium potassium pumps to fully restore the resting membrane potential and to reestablish proper concentrations of sodium and potassium ions inside and outside the cell. हाउ कम टू वर्ड दी नर्व टाइप्स ऑफ नर्व इम्पल्स नर्व इम्पल्स हमारे पास कितनी टाइप्स की है देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ नर्व इम्पल्स नंबर वन इज़ कंटिन्यूस इम्पल्स एंड सेकेंड वन इज सॉल्टेट्री इम्पल्स ये जो इम्पल्स हैं कंटिन्यूस इम्पल्स और सॉल्टेट्री uh, इम्पल्स ये इस वजह से इसको कंटीन्यूस और सॉल्टेटरी का नाम दिया है क्योंकि ये कंटिन्यूस होता है इसमें किसी भी किस्म का ब्रेक uh, नहीं लगता किसी भी किस्म का स्टॉप नहीं होता जबकि सॉल्टेटरी जो होता है वो कंटीन्यूस नहीं होता वो वन पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जंप करता है अब ये कंटीन्यूस क्यों होता है और ये जंप क्यों करता है बिकॉज ऑफ द माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड नेचर ऑफ न्यूरॉन्स अब कंटिन्यूस का आप देख लेते हैं कंटिन्यूस में हमारे पास है इन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन फ़ाइबर्स जो कि हमारे पास नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन फाइबर्स है जिस पर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती सोडियम एंड पोटेशियम आइंस कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन ठीक है इसमें सोडियम और पोटेशियम स्मूथली मूव कर सकते हैं और ये कंटिन्यूस फ्लो होता है एक्शन पोटेंशियल फ्लोज एज अ वेव इसमें जो नर्व पिम्पल्स होता है वो कंटिन्यूसली मूव करता है क्योंकि इस पर किसी भी किस्म का माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होता जबकि जो हमारे पास माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं माइलिनेटेड फाइबर्स में क्या होता है माइलिन शीट प्रिवेंट यानी कि एक्सचेंज माइलिन शीट जो होते हैं वो सोडियम और पोटाशियम आइंस के एक्सचेंज को अलाउ नहीं करते जिसकी वजह से जो डीपोलराइजेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर होती हैं जिसे कहा जाता है रोड नोड ऑफ फ्रेनवीर जो कि गैप्स होते हैं जो हमारे पास पूरा एग्जाम था उसके जो सेल्स के दरमियान जो गैप था जिस पर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती ये जो हमारे पास गैप्स हैं यहाँ पर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती इसलिए ने कहा जाता है नोड ऑफ फ्रेनवीर यहाँ पर सिर्फ डिपोलराइजेशन होती है नर्व इम्पल्स यहाँ से जंप करके यहाँ तक पहुँचते है और फिर यहाँ से जंप करके यहाँ तक इस तरह जम्पिंग मैनर में क्या करता है एक्शन पोटेंशियल आगे मूव करता है तो इसलिए इसे कहा जाता है सॉल्टेटरी एम्पल्स क्योंकि ये जंप करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट नॉर्मल जो हमारे पास स्पीड होती है स्पीड ऑफ नर्व एम्पल्स वो दो uh, उस पर डिपेंड uh, करती है दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स डिपेंड अपॉन द डायटर ऑफ न्यूरॉ एक क्या डिपेंड करती है उसके डायमीटर पर डिपेंड करती है थिक न्यूरॉन फाइबर्स जो होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं थिक होते हैं मोटे होते हैं थिक न्यूरान फाइबर्स कंडक्ट फास्टर इम्पल्स दैन थिन फाइबर्स थिक में हमारे पास होते हैं फास्टर कंडक्शन होती है जबकि जो हमारे पास थिन है उसमें स्पीड स्लो होती है ठीक है स्लो स्पीड होती है because resistance to electrical current flow is inversely proportional to the cross-sectional area of conductor. so with the increase in thickness of neuron fibers, there is decrease in resistance to neuron fibers. our mm -hmm. second we have hamare uh, myelinated or non-myelinated sheets. presence and absence of myelin sheet. average okay? speed of nerve impulse is 100 to 120 meter per second. जो माइलिन माइलीटेड फ़ाइबर्स हैं उसमें साल्टेटे होते हैं जिसमें जंप करता है जबकि जो हमारे पास नॉन माइलीनीटेड होती है उसमें कंटीन्यूस फ्लो होती है कंटीन्यूस uh, फ़्लो होती है नर्व एम्पल्स की इसलिए मायलिन छीट होते हैं उसमें कम एनर्जी यूज़ होती है क्योंकि वो उसमें जंप करती है उसमें पूरा कंटिन्यूस फ़्लो नहीं होता जिसकी वजह से जो माइनेटेड न्यूरोन फाइबर्स हैं दे रिक्वायर लेस एनर्जी नेक्स्ट हमारे पास है साइन ऐप्स वट इज साइन हमने फर्स्ट लक्चर में पढ़ा था जब एक एग्ज़ान के डेंड्राइट्स होते हैं जो हमारे पास एक एग्जॉन के डेंड्राइट्स होते हैं ये हमारे पास लाइट सपोज एक उसकी सेल बॉडी है ठीक है इसके जो डेंड्राइट्स होते हैं वो दूसरे एग्ज़ोन के एग्ज़ान टर्मिनल एक जो हमारे पास सॉरी न्यूरॉन का जो हमारे पास डेंड्राइट्स होते हैं वो दूसरे न्यूरॉन के एग्ज़ोन टर्मिनल के साथ इस तरह से कंटिन्यूस नहीं होते लेकिन उसके साथ आमने सामने होते हैं तो इनके दरमियान गैप प्रेजेंट होता है इस गैप को कहा जाता है साइनएप्स जंक्शन बिटवीन एग्जॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन ये हमारे पास लेट सपोज एक न्यूरॉन है जिसके एग्जॉन टर्मिनल होते हैं और डेंड्राइड होते हैं ऑफ़ द अदर न्यूरॉन ये हमारे पास दूसरा न्यूरॉन है जिसके डेंड्राइड्स तो एग्ज़ॉन टर्मिनल एक न्यूरॉन का जबकि डेंड्राइड्स जो दूसरे न्यूरॉन के होते हैं इनके दरमियान में जंक्शन होता है स्पेस होता है उस स्पेस को कहा जाता है साइन ये साइन ऐप्स किस लिए होता है इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन किस लिए होता है ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरान टू अनदर एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक क्या करती है जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है वो होती है थ्रू साइन ऐप्स दिस इज़ द जंक्शन बिटवीन द एग्जॉम टर्मिनल ऑफ वन न्यूरान एंड दैन ऑफ अदर वेयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन इज़ ट्रांसमिटेड टू अनदर बट देयर इज़ नो साइटोप्लाज्म कनेक्शन बिटवीन द टू न्यूर किसी भी किस्म की साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होती ये जंक्शन है साइन जिसके थ्रू न्यूरॉन जो होता है ट्रांस इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन अब जो हमारे पास साइन हैं वो टू टाइप्स के हैं एक हमारे पास है इलेक्ट्रिकल साइन दूसरा हमारे पास है केमिकल साइन ऐप भी लिख सकते हैं ठीक है इलेक्ट्रिकल साइन में क्या होता है यहाँ पर हमारे पास स्पेशलाइज फॉर रैपिड सिग्नल ट्रांसमिशन यहाँ पर जो सेल्स होते हैं इनके दरमियान गैप होता है इस गैप को कहते हैं सैन क्लिफ्ट वो हमारे पास है ज़ीरो पॉइंट टू नैनोमीटर ज़ीरो पॉइंट टू नैनोमीटर बहुत ही कम स्पेस uh, होता है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल साइन होता है मीन uh, जो कि केमिकल्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो उसके थ्रू जो ट्रांसमिशन होती है वो बहुत ही फास्ट होती है क्योंकि उसके दरमियान जो साइनाप्टिक्लिफ्ट है जो डिस्टेंस है वो है जीरो पॉइंट टू निनोमीटर जबकि जो हमारे पास केमिकल साइनापसिस है यहाँ पर सैनप्टिक गैप जो होता है वो ज़्यादा होता है ट्वेंटी नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है यहाँ पर ट्रांसमिशन स्लो होती है यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये हमारे पास क्या है एक न्यूरॉन है जिसका हमारे पास आएगा डेंड्राइट ये हमारे पास दूसरा न्यूरॉन है जिसके हमारे पास आ जाएंगे एग्जॉन टर्मिनल और इसके दरमियान हमारे पास गैप है ये क्या है साइनाप और इसको कहा जाता है साइनाप्टिक क्लिफ्ट यहाँ पर ये यह आप देख सकते हैं जो आइंस आएंगे या जो स्टिमुलस आएगा पूरा इस तरह वेजिकल के फॉर्म में पैक होगा इसे कहते हैं सैनैप्टिक फेजिकल ये यह यहाँ पर रिलीज़ करेंगे केमिकल्स रिलीज़ हो जाएंगे जब केमिकल इससे रिलीज़ होंगे तो आइंस मूव करेंगे डेंड्राइड्स की तरफ जो पोस्ट न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स की तरफ मूव करेंगे और डेंड्राइट्स उसे आगे सेल बॉडी तक पहुंच जाएंगे और सेल बॉडी से आगे एग्जाम तक और एग्जाम के बाद एग्जाम टर्मिनल से आगे नेक्स्ट न्यूरॉन तक तो इस तरह ये पूरा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है स्टेप नंबर वन पर आप देख सकते हैं कि नर्व इम्पल्स है नर्व इम्पल्स जब आता है तो आप देखिए कैल्शियम आइंस की फॉर्म में ये हमारे पास क्या है आइंस है आइंस जो है वो पैक हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल जिसे साइनेप्टिक वेजिकल कहते हैं अब साइनेप्टिक वेजिकल से जो केमिकल इसके अंदर मौजूद है ये हमारे पास क्या है न्यूरो ट्रांसमीटर के ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू केमिकल्स कॉल न्यूरो ट्रांसमीटर्स न्यूरो ट्रांसमीटर्स हमारे पास वो केमिकल्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकते हैं तो न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पर रिलीज़ हो जाते हैं जबकि आप देख सकते हैं स्टेप नंबर फोर में जो हमारे पास पोस्ट सैनेप्टिक न्यूरॉन है उसके सर्फिस पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं कि आइन चैनल विद रिसेप्टर साइट यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ये रिसेप्टर्स न्यूरो को रिसीव करके आगे सेल बॉडी तक ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस साइनैप्स जो पूरा हमने बताया यहाँ पर आप एक रीट दे दें प्री साइनेप्टिक न्यूरोन्स हैप्टिक नोब्स यहाँ पर आपको दिखाई देगा साइनेप्टिक नोब्स यहाँ पर मौजूद पर आपनेप्टिक नोब इट कंटेन नुमेरियस फेरिकल सेक्स कॉल्ड साइनेप्टिक वेजिकल साइनेप्टिकल वेजिकल आप, nope. आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है साइनेप्टिक वेजिकल Each vesicle हैज़ ऑलमोस्ट टेन थाउजेंड substances. Action potential एक्शन पोटेंशियल plasma membrane. द प्लाज्माब्रेन ये हमने पिछले उसमें पढ़ लिया था नर्व इम्पल्स में एक्शन पोटेंशियल क्या करता है डीपोलराइज करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिपोलराइजेशन की वजह से न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ हो जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ होकर पोस्ट मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लेता है एंड इट डिपोलराइजेज द मेम्ब्रेन एंड एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड इस तरह ये डिपोलराइजेशन आगे मूव करती है थ्रू केमिकल साइनेप्स और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इट इज कॉल्ड एक्साइटेटरी पोस्ट साइन पोटेंशियल इसको क्या कहा जाता है पोस्ट पोस्टाइनेप्टिक पोटेंशियल क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास दूसरा जो न्यूरॉन है पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है उसको एक्साइट किया गया है उसे स्टिमुलेट किया गया है तो इस टाइप के साइनेप्स को कहा जाता है इस टाइप का पोटेंशियल को कहा जाता है एक्साइटेटरी पोस्ट सैनेप्टिक पोटेंशियल एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए हमारे पास होते हैं एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स

वो ट्रांसमीटर वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो के मेम्ब्रेन को सोडियम आइंस के लिए ज़्यादा परमिएबल कर देता है उन्हें कहा जाता है एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स कोलीन कोलिन हमारे पास क्या है एक न्यूरो ट्रांसमीटर है एसिटाइल, एसिटाइल कोलिन ये हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर है ऑफ तेरेफ्रल नर्वस सिस्टम जबकि हमारे पास बायोजेनिक अमाइंस मीन्स बायोजेनिक अमाइंस का मतलब है वो अमाइंस जो कि अमानो एसिड से डिराइव हुए हो बायोजेनिक अमाइंस बायोजेनिक अमाइंस हमारे पास इम्पोर्टेंट एक्साइटेट्री न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें हमारे पास जो आते हैं वो हमारे पास क्या कौन कौन से हैं एपीनेफ्रीन नॉर्पीनेफ्रीन सिरोटिन डोपाम और ये सारे किस तरह फंक्शन करते हैं दे ऑल फंक्शन एंडस हारमोन्स एपी और नॉन एपी जो होते हैं वो हार्ट बीट इंक्रीज करते हैं जब कोई स्ट्रेस कंडीशन होती है जबकि सरोटिन और डुपाम जो होती हैं वो हमारे स्लीप uh, में जब मूड अल्ट्रेशन होती है तो उस टाइम ये uh, अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं जबकि हमारे पास जो इनहिबिटरी पोस्ट सैनप्टिक पोटेंशियल को जनरेट करते हैं इनहिबिटरी तो, uh, में क्या होता है जब ब्रेन हाइपर पोलराइज हो जाता है तो उसके लिए हमारे पास जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं उन्हें कहा जाता है इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन्हीबिट्री न्यूरो ट्रांसमीटर्स डिक्रीज परमिबिलिटी टू सोडियम आइंस एक्साइटेटरी में सोडियम आइंस के लिए परमिबिलिटी इंक्रीज हुई थी मेम्ब्रेन की जबकि इनहिबिटरी में मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी सोडियम आइंस के लिए डिक्रीज़ हो जाती है और इस एक्शन को फिर क्या कहते हैं इसकी वजह से क्या होता है कॉजिंग द्रे शोल्ड ऑफ स्टेम टू बी रेज जिसकी वजह से थ्रे शोल्ड स्टेमल्स इंक्रीज हो जाता है एंड दिस एक्शन इज कॉल्ड इनहिबिटरी बिकॉज इट लेस द चांस दैट नर्व इम्पल्स विल बी ट्रांसफर टू एन एडजॉइनिंग न्यूरोन इसकी वजह से नर्व इम्पर्स के ट्रांसमिशन में क्या हो जाती है रुकावट आ जाती है वो आगे ट्रांसमिट इसलिए नहीं हो सकता और नर्व इम्पल्स का जो वो होता है पूरा वेव होता है वो इनहिबिट हो जाता है इस प्रोसेस को कहा जाता है इनहिबिटरी इसमें हमारे पास है अमाइनो एसिड गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड जी ए बी ए यह हमारे पास एक इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है जबकि दूसरा हमारे पास है एक ग्लाइसिन इसके अलावा हमारे पास कुछ पेप्टाइड्स हैं जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर और उसके अलावा दोनों फंक्शंस uh, परफॉर्म करते हैं उन्हें कहा जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर और हार्मोन दो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उन्हें कहा जाता है एंडोरफिन ये हमारे पास क्या है पेप्टाइड्स हैं कुछ और ये पेप्टाइड्स ढूल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हार्मोन्स के भी और न्यूरो ट्रांसमीटर के फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है उसके हम देखें कितने उसके पार्ट्स हैं और उसको फर्दर उसके सब पार्ट्स कौन से हैं और उन हर एक पार्ट का क्या क्या फंक्शन है ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है ये हमारे पास क्या है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है इसे क्या कहा जाता है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम इस सिस्टम को क्या क्या ह्यूमन के human, जो नर्वस सिस्टम है इसको मेनली टू सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है एक हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज़ पैरफ्रल नर्वस सिस्टम ये दो मेन डिविजन्स हैं हमारे पास जो हमारे ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है ठीक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों पार्ट आते हैं और ये हमारे पास क्या एक एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर की तरह फंक्शन करना है जबकि जो हमारे पास पैरफ्रल नर्वस सिस्टम है इट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन अमंग रिसेप्टर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इफेक्टर ये जो पैरफ्रल नर्वस सिस्टम है ये रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इफेक्टर में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है जहाँ पर जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोसेस होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है स्पाइनल कॉर्ड आल्सो एक्ट एज लिंक बिटवीन पेरेफ्रल नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन पेरेफ्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है आपस में लिंक करता है इट एक्ट एज अ ब्रिज न ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अगर हम जनरल इसकी मेन डिवीजन देखें तो उसमें हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है ह्यूमन का उसको टू मेन पार्ट्स में डिवाइड पार्ट किया गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पैरफ्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जबकि पैरफ्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास न्यूरॉन्स आते हैं मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है इंटोसोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड आटोनॉमिक नर्वस सिस्टम माइल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज़ फर्दर क्लासीफाइड इन टू सिम्पथिक डिवीजन एंड पैरासिम्पथैटिक डिवीजन वी विल स्टडी इट वन बाई वन इन अवर लेक्चर्स सो फर्स्ट कम टू वर्ड दी ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड पहले हम ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड बहुत ही डेलीकेट ऑर्गन है हमारे बॉडी के तो इसको हमारे बॉडी में नेचुरली किस किस कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू इसको प्रोटेक्ट किया गया, इसको प्रोटेक्षन प्रोटेक्षन गया है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई हैं इसको थ्री मेन पार जो वेज हैं थ्री मेन टाइप्स की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है हमारे बॉडी में जो नेचुरली प्रोटेक्शन है फर्स्ट हमारे पास है स्केलेटन सेकंड वन इज मेन्जेस एंड थर्ड वन इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लोइड स्केलेटन का क्या मतलब है स्केलेटन मींस कि क्या है हमारे बॉडी में जो ब्रेन है या जो जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट किया गया है थ्रू क्रैनियम क्रैन हमारी कॉपड़ी होती है कॉपड़ी ने किसको प्रोटेक्ट किया है ब्रेन को स्पाइनल कोड ने प्रोटेक्ट नहीं किया सिर्फ और सिर्फ इसको उसने ब्रेन को प्रोटेक्ट किया है इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्कल क्रैनियम किसका पार्ट है स्कल का पार्ट है स्केलेटल का पार्ट है जिसने प्रोटेक्ट किया होता है ब्रेन का जो हमारी कॉपड़ी होती है जबकि जो वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बैक बोन में हमारे जो बैक हैं उसमें जो पूरे जो वर्टिब्रल कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं जो थर्टी थ्री वर्टिब्रल है वो क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को जबकि क्रैनियम प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को नंबर ऑफ वर्टेब्रा क्या हमारे पास है थर्टी थ्री इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंट्स फिजिकल ट्रामा ये क्वेश्चन की तरह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्पाइनल कार्ड को एक्सीडेंट्स से और फिजिकल ट्रामाज अगर किसी भी किस्म का एक्सीडेंट होता है तो डायरेक्टली हमारा स्पाइनल कार्ड डैमेज नहीं होता जबकि वट वर, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम्स क्या करते हैं इनको प्रोवाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और इसी तरह ब्रेन को भी ब्रेन बहुत ही डेलीकेट पार्ट है स्पाइनल कार्ड भी हमारा बहुत ही डेलीकेट ऑर्गन है तो अगर इनको हल्का सा भी कोई ट्रामा लगता है या हल्की सी भी एक्सीडेंट हो और इसके ऊपर ये प्रोटेक्शन मौजूद ना हो तो ये बहुत इजीली डैमेज हो जाती है और इसके डैमेज से बॉडी का ह्यूज लॉस होता है सेकेंड इसके बाद हमारे पास क्या है मेनेंजेस मेनेंजेस हमारे मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि क्रैनियम के नीचे प्रेजेंट होता है सबसे प्राइमरी जो प्रोटेक्शन है वो क्रैनियम प्रोवाइड करता है इसके बाद हमारे पास आ जाता है मिनंजेस मिनंजेस इज़ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन थ्री मेम्ब्रेन होते हैं इसमें थ्री लेयर्स होते हैं इसमें एक हमारे पास है ड्यूराीटर अर्कनाइड मीटर एंड पियामीटर ये थ्री लेयर्स आपस में कंबाइन हो कि क्या बनाते हैं एक पूरा मिनेंजस बनाते हैं जो कि ब्रेन को क्वेश्चन लाइक मैट्रिक्स प्रोवाइड करते हैं इन्हीं लेयर्स के दरमियान क्या प्रेजेंट होती हैं फ्लूइड प्रेजेंट होती हैं जिसे कहा जाता है सरिब्रोसफाइनल फ्लूइड और ये प्रोड्यूस होती है बाय ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से जो फ्लोइड प्रोड्यूस होता है उसे कहा जाता है सिरेप्रो स्पाइनल फ्लोइड बाई प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन पेनोसाइटोसिस एंड एक्टोसाइटोसिस इन तीनों प्रोसेस के थ्रू ये ब्लड वेसल्स से रिलीज़ हो जाता है ये जो मेरीजस की जो लेयर्स हैं पियामीटर और अर्कन मीटर के दरमियान ये रिलीज होता है बाई प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन पेनोसाइटोसिस एक्टो ट्रांसपोर्ट और उनके दरमियान ये पहल जाता है इट आल्सो एक्ट एज क्वेश्चन प्रोटेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन होमियोस्टेसिज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम थैंक यू दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर और इस चैप्टर की जितने भी एम हैं वो सारे हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे अस्सलाम वालेकुम टुडे वी विल स्टडी लेक्चर नंबर थ्री ऑफ चैप्टर नंबर सेवेंटी नर्वस कोऑर्डिनेशन In this lecture, we will study about the human brain, spinal cord, and different sensory receptors. Brain, spinal cord, and different sensory receptors and their functions. Cord and finally, bypass, sensory receptors. So, first come towards the human brain. Human brain structure. कौन कौन से पार्ट्स है इसमें और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ह्यूमन ब्रेन जो है ह्यूमन ब्रेन इट्स एक्चुअली द मोस्ट वंडरफुल एंड माइस्टीरियस क्रिएशन ऑफ नेचर ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है साइज़ में बहुत छोटा होता है लेकिन ये फंक्शंस बहुत बड़े बड़े फंक्शन परफॉर्म करता है ऑलमोस्ट हमारी जो पूरी बॉडी होती है इट्स कंट्रोल्ड बाय दी ब्रेन जितने भी हमारे बॉडी की कॉर्डिनेशन होती है डिफरेंट एक्शंस होती है सीक्वेंस होता है कि किस तरह से एट राइट टाइम और राइट right प्लेस पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है दिस ऑल आर कंट्रोल बाय दी ब्रेन ह्यूमन ब्रेन इज जनरली डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड हाई ब्रेन यू कैन सी द जनरल पिक्चर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन जो कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है फोर ब्रेन में फोर ब्रेन की अगर हम बात करें तो फोर ब्रेन में हमारे पास फर्दर थ्री पार्ट्स आते हैं सरेब्रम थैलमस एंड लिम्बिक सिस्टम ये थ्री पार्ट्स होते हैं कंबाइंड या कलेक्टिवली इनको कहा जाता है फोर ब्रेन दीज थ्री पार्ट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ फोर ब्रेन हम लेक्चर थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे क्योंकि फिर काफ़ी लेंथ हो जाता है आपका लेक्चर और इसमें इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है तो फर्स्ट हमारे पास है सिरेब्रम सिरेब्रम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन ये ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लार्जेस्ट पार्ट है सेरेब्रम को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया गया है और उन इक्वल हाफ्स को कहा जाता है हेमिसफेयर्स ये सेरेब्रम के हेमिसफेयर्स हैं तो ऐसे कहा जाता है सेरेब्रल हेमिसफेयर्स इन दोनों हेमिसफेयर्स को एक नर्व फाइबर आपस में कनेक्ट करती है और उस नर्व फाइबर को कहते हैं कॉर्पस कैलोसम ठीक है कॉर्पस कैलोसम हमारे पास एक नर्व फाइबर है जो कि दोनों जो सेबरल हेमोसफियर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करती हैं एक साइड पे जो मेमोरी प्रेजेंट होती है ब्रेन के एक साइड पे उसे कैरी करती हैं ब्रेन के दूसरे साइड पे सेब्रम में हमारे पास फोर लूब्स प्रेजेंट होते हैं एक हमारे पास है फ्रंटल लूब सेकेंड वन हमारे पास है पैरेटल लूब विच इज़ शोन इन ब्लू कलर टेम्पोरल लोब इज शोन इन इन ग्रीन कलर जबकि ऑक्सीपिटल लोब हमारे पास है रेड कलर में ठीक है तीनों जो लोब्स हैं तीनों का एरिया डिफरेंट होता है और तीनों के जो अंदर थ्री मेन रीजन्स प्रेजेंट होते हैं और वो तीन रीजन रीजन हमारे पास क्या हैं वो तीन रीजन हमारे पास हैं सेंसरी एरिया एसोसिएटेड एरिया और मोटर एरिया ये जो तो नेम्स हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स इनको दिए गए हैं सेंसरी एरिया में सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जबकि एसोसिएटेड एरिया में मिक्स्ड न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं मोटर एरिया में प्रेजेंट होते हैं मोटर न्यूरॉन्स उस बेसिस पर इनको नेम्स दिए गए हैं अगर हम सेब्रम के फंक्शंस की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जनरली uh, जो हम सेरेब्रम को देखते हैं तो सेरेब्रम क्या करता है इट कंट्रोल इट इज़ अ कंट्रोल सेंटर ऑफ मेनी सेंसरी एरियाज डिफरेंट सेंसरी एरियाज जो हमारे फाइव सेंसेस हैं उनके लिए क्या हमारे पास कंट्रोल सेंटर है हमारे फाइव सेंसेस कौन कौन से स्पीच का जो है जिसके थ्रू हम बोलते हैं ठीक है स्पीच स्मेल टेस्ट हेयरिंग एंड लास्ट वन इज साइट इन तो फाइव सेंसेस को कंट्रोल करता है हमारा सेरेब्रम इसके अलावा जितने भी कॉन्शियस एक्शंस होते हैं कॉन्शियस मीन्स जो हम अपने होश और हवास में हो कि जो एक्शंस परफॉर्म करते हैं उन्हें कहा जाता है कॉन्शियस सेंसेशन तो कॉन्शियस सेंसेशन जितने भी होते हैं वो कंट्रोल होते हैं बाय सेरेब्रम वलेंट्री मूवमेंट्स मीन्स वो मूवमेंट्स जो कि हम अपने मर्ज़ी के मुताबिक करते हैं अपने विल के मुताबिक अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो फंक्शंस हम करते हैं उन्हें कहा जाता है वॉल्ट्री मूवमेंट्स जो हमारे कंट्रोल में होते हैं जैसे हम हमारा जो रीजनिंग हो गया थिंकिंग हो गया जजमेंट हो गया लर्निंग हो गया डिसीजन मेकिंग इस तरह की जो जितने भी मूवमेंट्स uh, होते हैं जितने भी एक्शंस होते हैं वो सारे कंट्रोल हो करता है सेरेब्रम ठीक है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का जो कि ये सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है इसके अलावा हमारे पास हमारे थाट्स और ड्रीम्स इज़ कंट्रोल्ड बाय सेब्रम नेक्स्ट हमारे पास क्या है थैलेमस थैलेमस जो है वो सेरेब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है इट एक्ट एज अ रिले स्टेशन या इट प्रोवाइड्स कनेक्शन बिटवीन द बॉडी एंड सेब्रम बॉडी और सेब्रम के दरमियान ये क्या प्रोवाइड करता है कनेक्शन प्रोवाइड करता है और इट एक्ट एज अ रिले स्टेशन बिटवीन द बॉडी एंड सेब्रम बॉडी से या डिफरेंट इम्पल्सिस रिसीव करके आगे पहुंचाता है सेरेब्रम तक डिफरेंट सेंसरी एरिया से ये ले लेता है और ये आगे उसे ट्रांसमिट करता है या कैरी करता है टू तो सेरेब्रम कैरी इंफॉर्मेशन टू लिम्बिक सिस्टम फॉर प्रॉपर रिस्पॉन्स सेरेब्रम से फिर इंफॉर्मेशन लेके लिम्बिक सिस्टम तक जाता है इसके बाद हमारे पास है लिम्बिक सिस्टम इट is प्रेजेंट अंडर cerebrum. इट further कंसिस्ट ऑफ hypothalamus, amygdala एंड hippocampus. इसमें अगेन थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं सबसे पहले जो हमारे पास है हाइपोटैलमस हाइपोथैलमस क्या करता है? बॉडी के होम्योस्ट्रेसिस कंट्रोल करता है होम्योस्ट्रेसिस मींस टू मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है मेन्टेन रखता है जो कि थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड है इन केस ऑफ ह्यूमन अगर एक्सटर्नल टेम्प्रेचर इंक्रीज या डिक्रीज़ हो तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता ह्यूमन uh, की बॉडी पे इंटरनल टेम्परेचर पे बिकॉज ऑफ दी हाइपो इसके अलावा जितने भी हमारे पास हंगर uh, है तर्स्ट हो गया सेक्शल रिस्पांस हो गया फ़्लाइट और फाइट रिस्पांस होंगे बॉडी के जो ब्लड प्रेशर हो गया वाटर बैलेंस हो गया जितने भी बायोरिथम्स रिथम्स होंगे ये सारे कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस के बाद जो हमारे पास है एमकडाला एमकडाला क्या कितना है हापोथेलिमस uh, का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि इट कंट्रोल्स पचरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड है डिफरेंट टाइप के हारमोन सिक्रीट करता है इट इज़ कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शन एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय हापोथैलमस ड्यू टू विच हापोतीलिमस एक्ट एज अ लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंड्राइन सिस्टम पिच्यूट्री ग्लैंड को कंट्रोल करता है आप जिसकी वजह से ये क्या प्रोवाइड करता है लिंक प्रोवाइड करता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान एंडोक्राइन सिस्टम में आता है हमारे पास पिचुट्री ग्लैंड नेक्स्ट हमारे पास है एमेक्डेला एमेक्डेला क्या होता है आलमंड शेप के दो मासिस होते हैं न्यूरॉन के और ये प्रेजेंट होते हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ थैलेमस थैलेमस के दोनों साइड पे ये प्रेजेंट होते हैं ये डिफरेंट टाइप की फीलिंग्स को कंट्रोल करता है चाहे वो लव की फीलिंग हो हेट हो एंगर हो फेयर हो सेक्शुअल अरोजल हो पनिशमेंट हो या प्लेजर हो जितने भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की फीलिंग्स होते हैं उसे ये कंट्रोल करता है लास्ट वन इज हिपो कैंपस इट कंसिस्ट ऑफ टू हॉर्स सिंग जो होते हैं ना इस तरह के दो सिंग होते हैं इसके और वो इनका मेन फंक्शन है इट कंट्रोल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड दस इट इज रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग जिसको जैसे ये लर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है स्पीकर में आप देख सकते है, brain, आप दे हैं ह्यूमन ब्रेन इसमें आपको सिरिब्रम दिखाई दे रहा है ठीक है सेरेब्रम के बाद हमारे पास और कॉर्पस कैलोसम है जो कि दोनों से हम के दरमियान कनेक्शन प्रोवाइड करता है थैलेमस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि पी शेप का स्मॉल सा ग्लैंड होता है और इसके अलावा हमारे पास स्पोंस मेडुला और सेरेब्रम ये पार्ट हैं हाइड ब्रेन के जो कि हम आगे पढ़ेंगे अभी और मिड ब्रेन इसमें बहुत ही छोटा सा प्रेजेंट है ये जो हमारे पास इतना तक जो पार्ट है क्योंकि मिड ब्रेन जो होता है वो ह्यूमन में रिड्यूस्ड होता है अभी हम मिड ब्रेन देखते हैं कि व्हाट इज़ मिड ब्रेन और इसका स्ट्रक्चर क्या है मिड ब्रेन जो है हमारे पास ह्यूमंस में ये बहुत ही इसका साइज छोटा होता है इसलिए इसे कहा जाता है इट इज़ रिड्यूस्ड इन ह्यूमन ठीक है इट एक्ट एज ए रील स्टेशन ये फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के दरमियान एक ब्रिज की तरह का, का कनेक्शन प्रोवाइड करता है रेल स्टेशन मीन्स कनेक्शन प्रोवाइड करता है बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है इट कंटेंस रेटिकुलर फॉर्मेशन रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होता है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं उसे कहा जाता है रेटिकुलर फॉर्मेशन नेटवर्क ऑफ न्यूर इसमें न्यूरॉन का एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन फोर ब्रेन को आपस में कनेक्ट करता है और ये रेटिकुलर फॉर्मेशन स्पेशली प्रेजेंट होते हैं हाइंड ब्रेन के मेडुला में इट रिसीव इनपुट पोड फ्राम मोस्ट ऑफ़ द सेंसेस डिफरेंट जो सेंसेज हैं उनसे इंफॉर्मेशन रिसीव करके उसे आगे ब्रेन सेंटर तक पहुँचाता है और इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करके आगे प्रोसीड करता है मीन्स इफेक्टर तक आगे पहुँचाएगा लेकिन मेन मिड ब्रेन इफेक्टर तक नहीं पहुँच जाता वो सिर्फ सेंसरी ऑर्गे से रिसीव करके ब्रेन तक पहुँचा देता है एंड इट कंट्रोल विजुल एंड ऑडिट्री सेंटर मीन्स इट एक्ट इज अडिनेशन सेंटर और ये हमारे पास या कॉर्डिनेट करता है विजुल को जो हमारे देखने के जो सेंसेस होते हैं या ऑडिटरी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको ये कंट्रोल करता है इसके बाद हमारे पास है हाइंड ब्रेन हाइंड ब्रेन में भी फर्दर थ्री पार्ट्स हैं मेडुला मेडोलाबलोंगेटा एंड पोन्स सेरेब्रम जो हमारे पास है इट कंट्रोल्स इक्विलिब्रियम और बैलेंस ऑफ द बॉडी ये बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है जैसे हम और ये हमारे पास क्या है इट इज़ अ सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है फर्स्ट लार्जेस्ट हमारे पास सेरेब्रम था जबकि सेरेबलम जो हमारे पास है इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इट कंट्रोल्स बैलेंस ऑफ द बॉडी बॉडी का बैलेंस कंट्रोल करता है इसमें हमारे पास क्या होते हैं एक सेंट्रल लूप होता है और दो लेटरल लोब्स होते हैं इट कंसिस्ट ऑफ वन सेंट्रल लूप एंड टू और टू हमारे पास क्या होते हैं लेटरल लोब्स होते हैं सेरेब्रम कोऑर्डिनेट मसल एक्टिविटी मसल्स की तो जो एक्टिविटी होती हैं जो हमारे पास स्मूथ मसल्स स्पेशली जो मूवमेंट करते हैं उसको ये कंट्रोल करता है उसको कोऑर्डिनेट करता है किस तरह की मूवमेंट करनी है और अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए हमारे सरब्रम ख़राब हो जाए तो बॉडी का जो बैलेंस होता है वो ख़राब हो जाता है और फिर जो मूवमेंट होती हैं वो जर्की होती हैं या इम्बेलेंस मूवमेंट होती है इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन लर्निंग मेमोरी स्टोरेज फॉर बिहेवियर क्योंकि बैलेंस कंट्रोल करता है तो उसके बिहेवियर के लिए जो मेमोरी रिक्वायर्ड होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं इन सेरेब्रम नेक्स्ट पार्ट इज मेडुला ऑब्लॉगेटा मेडुला ऑब्लॉगेटा जितने भी ऑटोमेटिक फंक्शन होते हैं जो कि इन्वॉलेंट्री फंक्शन होते हैं उसे कंट्रोल करता है उसमें हमारे पास होता है हार्ट बीट ब्रीथिंग सवालविंग एंड ब्लड प्रेशर लास्ट वन इजोन इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन सेरेब्रम मेडोला सेरेब्रम और मेडुला के दरमियान ये ब्रिज की तरह काम करता है और ये रेट और पैटर्न कंट्रोल करता है हार्ट बीट और ब्रीथिंग जो हम करते हैं उसका जो पैटर्न होता है ये उसे कंट्रोल करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड क्या है इट इज़ द लिंक बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी ब्रेन और बॉडी के दरमियान जो लिंक प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है सेरेब्रम प्रोवाइड करता है Cerebral, जो सॉरी स्पाइनल कॉर्ड प्रोवाइड करता है स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास क्या है इट इज़ अ सेंट्रल केबल ऑफ नर्वस सिस्टम हमारे पास सेंटर में प्रेजेंट होता है इस तरह सेंट्रल केबल ऑफ नर्वस सिस्टम और इसकी जो लेंथ होती है वो ऑलमोस्ट एटीन इंचज होती है और ब्रथ इसका, इसका क्या होता है हाफ एन इंच अबाउट हाफ एन इंच इसका क्या होता है इसकी ब्रथ होती है इस तरह लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है एलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर होता है अंदर से क्या होता है हॉलो जिस तरह से के सेलेंडिकर का स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज प्रेजेंट इन द न्यूरल कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रल कॉलम ने इसको प्रोटेक्ट किया होता है एंड इज प्रेजेंट इन द न्यूरल कैनल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट ये यहाँ पर जो मेडुला होता है यहाँ से स्टार्ट होता है ठीक है मेडुला से स्टार्ट होके नीचे हमारे पास लंबर वर्टिबरा तक ये कंटिन्यू होता है अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देंगे तो क्रॉस सेक्शन में इसके हमें टू पार्ट्स दिखाई देते हैं एक को कहा जाता है ग्रे मैटर जबकि दूसरे को कहा जाता है वाइट मैटर ग्रे मैटर क्या होता है इट्स अ सेंट्रल कैनाल फिल्ड विद सरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक सेंट्रल कैनाल होता है जो कि सरेब्रोस्पाइनल फ्लूड इसके अंदर मौजूद होता है ग्रे मैटर का जो शेप होता है वो इस तरह आप देख देख सकते हैं एच शेप या बटरफ्लाई की तरह इसका शेप होता है इट कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज न्यूरॉन के जो सेल बॉडीज़ होते हैं और एंड नॉन माइलिनेटेड पार्ट ऑफ फाइव नर्व फाइबर्स मीन्स जो हमारे पास पूरा एक न्यूरॉन होता है उसके सिर्फ सेल बॉडीज और वो पार्ट जिन पर मैलिन शीट प्रजेंट नहीं होता ये कंबाइन होकर ग्रे मैटर बनाते हैं जबकि जो माइलिनेटेड पार्ट होता है और या जो एग्ज़ो उसका होता है वो कंबाइन होकर क्या बना एग्जॉन एंड डेंड्राइट्स वो कम्बाइंड होकर वाइट मैटर बनाते हैं फिगर में आप वाइट मैटर भी देख सकते हैं और ग्रे मैटर भी देख सकते हैं फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास हैं इट कंट्रोल मैनी रिफ्लेक्स एक्शंस कैरी सेंसरी इम्पर्सिस फ्रॉम स्किन एंड मसल्स कैरिंग मोटर टू मसल्स ऑफ द नेक एंड लिम्स ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद सेकेंड वन इज़ पैराफ्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास कम्प्लीट हो गया जिसमें हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है जबकि पैराफ्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ सेंसरी एंड मोटर न्यूर सेंसरी और मोटर न्यूरस जो थे कलेक्टिवली इनको कहा जाता है पैराफ्रल नर्वस सिस्टम जितने भी मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट द बॉडी लेकिन ये स्पेसिफिक uh, फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है गेंगलिया एंड नर्व्स ठीक है गैंग्लिया और नर्व्स की फॉर्म में जो न्यूरॉन्स होते हैं मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स वो प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट द बॉडी वट इज़ गैंग्लिया एंड वट इज़ नर्व्स गैंग्लिया जो हमारे पास है कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज़ न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ न्यूरॉन का जो हमने स्ट्रक्चर स्टडी किया था उसमें हमारे पास सेल बॉडी थे इसका एक पार्ट एक हमारे पास था डेंड्राइट एंड लास्ट वन इज़ एग्जॉन ठीक है अब जो हमारे पास सेल बॉडीज़ जो होती हैं सेल बॉडीज़ का जो पूरा कलेक्शन होता है जो उनका एक ग्रुप होता है उन्हें कहा जाता है गेंगलिया ठीक है गेंग्लिया जो होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं प्रोवाइड रिले स्टेशन और रिले पॉइंट एंड इंटरमीडियरी कनेक्शन बिटवीन न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स इन दॉडी बॉडी के दरमियान जितने भी न्यूरोजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके महीन जो कि न्यूर से बनते हैं न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनके दरमियान ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है जो गेंगलिया होता है ये हमारे पास एक ग्रुप होता है न्यूर की सेल बॉडीज़ का और ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है बिटवीन डिफरेंट न्यूरोजिकल स्ट्रक्चर्स जिसमें हमारे पास पेरेफ्रल नर्वस सिस्टम आता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि गेंगलियान प्रोवाइड्स इंटरमीडिय मेडियरी कनेक्शन बिटवीन पैरफ्रल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ गेंगलिया नोन एज फ्लैक्सिस हमारे पास जो गैंगलिया होते हैं ये जब आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं एक गेंगलिया दूसरे गेंगलिया के साथ इंटरकनेक्ट होता है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाता है उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को कहा जाता है प्लेक्सेस एक गेंगलिया दूसरे गैंगलिया के साथ इंटरकनेक्ट होता है तो इस तरह से एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है गैंगलिया का और उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को कहा जाता है फ्लैक्सेस नेक्स्ट uh, हमारे पास है नर्व्स नर्व्स क्या है हमारे पास नर्व्स इज़ द बंडल ऑफ न्यूरॉन फाइबर्स न्यूरॉन की बॉडी के जो दोनों पार्ट्स रह गए डेंड्राइट और एग्जॉन दे कलेक्टिवली फॉर्म नर्व्स और इनको ट्रैक्ट्स भी कहा जाता है द बंडल ऑफ न्यूरॉन फाइबर्स जिसमें हमारे पास डेंड्राइट और एक्सॉन आता है एंड इज़ कवर्ड बाई कनेक्टिव टिश्यूज कॉल्ड नर्व्स बंडल ऑफ न्यूरॉन फाइबर्स को जब कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्ट करता है या उस पर कवर चढ़ा लेता है तो उससे हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहा जाता है नर्व्स इट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन बिटवीन रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इफेक्टिव मीन्स जितनी भी कम्युनिकेशन होती हैं वो होती हैं बिकॉज ऑफ द नर्व्स बिटवीन रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इफेक्टिव रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है एंड फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट कैरीज इंफॉर्मेशन टू द इफेक्ट इस तरह पूरा ये इंफॉर्मेशन को कैरी करता है इसके अलावा हमारे पास क्या है नर्व Nerve, जो नर्व्स हैं ये इनको डिफरेंट uh, ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ऑन बेस ऑफ देयर फंक्शन फंक्शन के बेसिस पर नर्व्स को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है सेंसरी नर्व्स मोटर नर्व्स एंड मिक्स नर्व्स सेंसरी नर्व्स क्या करते हैं सेंसरी ऑर्गेन से इंफॉर्मेशन कैरी करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाते हैं रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचा हैं इन्फॉर्मेशन को जबकि मोटर नर्व्स इसके अगेंस्ट और अपोजिट काम करता है जो कि इम्पल्स को कैरी करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक रिसेप्टर से पहुँच गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आगे मोटर न्यूर पहुँच जाएगा इसको इफेक्टर तक जबकि मिक्स नर्व्स जो हमारे पास है ये हमारे पास होते हैं ग्रुप ऑफ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन भी परफॉर्म करता है और मोटर न्यूरॉन का फंक्शन भी मोटर नर्व का फंक्शन भी परफॉर्म करता है नर्व्स और न्यूरॉन में जो डिफरेंस है नर्व्स हमारे पास क्या है कि इसमें सिर्फ न्यूरॉन का फाइबर आता है ठीक है न्यूरॉन नर्व और न्यूरॉन अक्सर आपके पास जो डिफरेंस आता है नर्व और न्यूरॉन का न्यूरॉन हमारे पास पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे पास ये तीनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जबकि नर्व्स में हमारे पास न्यूरॉन के या एग्ज़ान प्रेजेंट होता है या डेंड्राइट्स का ग्रुप प्रेजेंट होता है मीन उसका सिर्फ फ़ाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है उससे बनता है नर्व्स न्यूरॉन का फाइबर यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन है या डेंड्राइट या एग्जान इसका हमारे पास बंडल होता है उसे नर्व कहा जाता है जबकि पूरा न्यूरॉन जो होता है उसके थ्री पार्ट्स होते हैं तो फंक्शन के बेसिस पे हमारे पास इसके थ्री टाइप्स हो गए जबकि इसके ऑरिजन के बेस पे हमारे पास इसके कितने हैं टू टाइप्स हैं स्पाइनल नर्व्स एंड क्रैनियल नर्व्स और सेरेब्रल नर्व्स भी क्या कहा जाता है स्पाइनल लर्व होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से अरइज होते हैं और इसके टोटल हमारे पास थर्टी वन पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं इसमें से एट हमारे पास सर्विकल ट्वेल्फ हमारे पास तोरेसिक होते हैं जबकि फाइव हमारे पास लंबर फाइव साइकिल एंड फाइव काक्सी स्पाइनल नर्व्स होते हैं जो पूरा हमारे पास स्पाइनल कार्ड होता है उसमें हमारे पास जो टॉप के होते हैं वन से लेकर एट तक जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास होते हैं सर्विकल सर्विकल हमारे पास नर्व्स होते हैं उसके बाद हमारे पास जो बैक से जो हमारा पूरा नेक के बाद का जो रीजन स्टार्ट हो जाता है उसमें हमारे पास ट्वेल्व जो होते हैं नेक के बाद यहाँ पर हमारा नेक तक हो गया तो उसे कहा जाता है सर्विकल नर्वस नेक के बाद जो हमारे पास ट्वेल्फ फर्स्ट ट्वेल्फ होते हैं उन्हें कहा जाता है तोरेस्टिक नर्व तरेस्टिक नर्व के बाद जैसे हमारा जहाँ पर हमारी कमर ख़त्म होती है वहाँ से बिल्कुल एंड्स पे हमारे पास सिक्स जो नर्व्स होते हैं उन्हें कहा जाता है लंबर नर्व्स और सबसे लास्ट में जो कि हमारे टेल के होते हैं उन्हें कहा जाता है काक्सी झील जो लास्ट में हमारे पास होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है जो सबसे लास्ट काक्सी लंबर और काक्सी के दरमियान हमारे पास सिक्स सेक्रल सॉरी फाइव जो हमारे पास होते हैं वो सेक्रल नर्व प्रेजेंट होते हैं फाइव हमारे पास लंबर होते हैं फाइव हमारे पास सेक्रल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं वन से लेकर सिक्स तक ये होते हैं और इस तरह से एस वन और से लेकर एस सिक्स तक इसको हम इस तरह से लिखते हैं एल वन टू एल सिक्स और इसको हम, इस हम आइडेंटिफाई करते हैं एज एस वन टू एस से जबकि त्रस्य को हम आइडेंटिफाई करते हैं टी वन टू टी ट इसके बाद हमारे पास है क्रैनियल नर्व्स जो कि ऑरिजिनेट होते हैं ब्रेन से इसके हमारे पास ट्वेल्व पेयर्स होते हैं थ्री पेयर्स उसमें सेंसरी होते हैं फाइव पेयर्स मोटर होते हैं जबकि फोर पेयर्स होते हैं मिक्स्ड नर्व्स इसके बाद पेरेफ्रल नर्वस सिस्टम को फर्दर टू क्लासेस इन या फर्दर टू सिस्टम में डिवाइड किया गया है उसमें हमारे पास है सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटो उतना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें हमारे पास स्पाइनल और क्रैनियल नर्व फाइबर्स आते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ पेरेफ्रल नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरियंग सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन को ये कैरी करता है बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड वलेंट्री पार्ट्स द बॉडी क्योंकि इसमें हमारे पास सेंसरी uh, और मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो ये इनका फंक्शन क्या होता है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो वॉलेंट्री पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी के दरमियान उनके दरमियान इंफॉर्मेशन को कैरी करता है इट कनेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्किन एंड स्केलेटल मसल्स इसके अलावा ये हमारे पास जितनी भी हमारे वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम अपने होशो हवास में करते अपने विल के मुताबिक करते हैं उसको कंट्रोल करता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम इसकी इसके अलावा हमारे पास जो रिफ्लैक्स एक्शन स्केलेटल मसल्स रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स आर एन एक्सेप्शन स्केलेटल मसल्स में हमारे पास बाकी सारे जो उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं जो मोशनस होती हैं वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है सिर्फ़ रिफ्लेक्स रिएक्शन जो होते हैं स्केलेटल मसल्स के उसको कंट्रोल नहीं करता नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स दैट रन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें हमारे पास सेंसरी और मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और डिफरेंट विजरल ऑर्गन्स के को आपस में कनेक्ट करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो हमने पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ता कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम और वलेंट्री पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो हमारे पास सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को विजटल ऑर्गन के साथ कनेक्ट करते हैं विजरल ऑर्गन मीन जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है जैसे हमारा हर्ट हो गया जैसे लंग्स और जितने हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन की जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं वो चाहे जा, वो ग्लैंड्स ग्लैंड हैं एंडोक्राइन सारे जो हमारे पास है वो विजल ऑर्गन्स में आते हैं तो उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जाता है थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इट इज़ कंसर्न विद अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़ मीनस ये इन्वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को टू क्लासेस uh, में डिवाइड किया गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिम्पैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल वेरियस ऑटोनॉमिक फंक्शन मीन जो ऑटोमेटिक फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करता है सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी को ये प्रिपेयर करता है फॉर फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स मीन इमरजेंसी कंडीशन में हमारी बॉडी को सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल नर्वस प्रजेंट होते हैं क्योंकि जब हमारे पास इमरजेंसी होती हैं या जो फ्लाइट या फ्लाइट का जो कंडीशन होती है उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता स्पाइनल कॉड डायरेक्टली जो डिसीजन लेता है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं क्रैनियल नर्व्स की ज़रूरत नहीं होती पैरासिम्पैथेटिक सेम्पथैटिक जो मुद्दा हैं वो अपोजिट काम करता है जब बॉडी इमरजेंसी के स्टेट से गुजर जाती है तो उसको वापस रेस्ट स्टेट में लाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसमें क्रैनियल नर्व्स होते हैं ठीक है एट कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू क्रैनियल नर्व्स इंक्लूडिंग वेगस नर्व ठीक है इसमें क्रीनियल नर्व्स भी इंक्लूड होते हैं क्योंकि इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों इन्वॉल्व होते हैं नर्व्स अराइजेज फ्रॉम द सेक्रल पोस्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इसमें जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के जो लास्ट का जो रीजन होता है एंड का जो होता है जो कॉक्सीटेल से ऊपर का पार्ट होता है वहाँ से अराइज होते हैं इट कंट्रोल्स ऑटोनॉमिक फंक्शंस ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट रेस्ट कंडीशन में जो डिफरेंट uh, एक्टिविटीज़ होती है उसे कंट्रोल करता है पैरासिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पथैटिक जो होता है इट आल्सो कॉज स्लोइंग डाउन ऑफ द हर्ट बीट हार्ट बीट जो हमारा स्लो करता है उसके रेट को स्लो करता है वापस बॉडी को रेस्ट कंडीशन में लाता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पैरासिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम जबकि हार्ट बीट को इंक्रीज करने के लिए सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है जो फंक्शन पैरासिम्पथैटिक करता है उसकी ऑपोजिट फंक्शंस सिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम करते हैं लेट सपोज अगर हमारे पास सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है तो पैरसिम्पथैटिक ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करता है अगर सिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम में डायलेशन ऑफ द प्यूपल्स होती हैं जमी आई का हमारे पास प्यूपल है अगर उसे यह डायलैट करता है सिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है डायलैट करता है प्यूपल को क्योंकि इमरजेंसी की कंडीशन में हमारी आंखें से बाहर की तरफ निकल आती है जबकि फेरासिम्पैथैटिक जब रेस्ट कंडीशन में होती है तो प्यूपल्स जो होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं बाय फेरासिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम इसके अलावा हमारे पास क्या होता है जो सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम होता है इट्सटिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस ठीक है ग्लाइकोजिनोलाइसिस तो मीन्स कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इंटो ग्लूकोज ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है इंटू ग्लूकोज ग्लाइकोजन हमारे पास स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होते हैं इसको कन्वर्ट कर लेता है इंटू ग्लूकोज में Uh, जबकि हमारे पास पैरासिम्पथैटिक्स uh, जो सिस्टम है वो ग् को स्टिमुलेट नहीं करता सिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट्स पैरास्टाइलिस ये पैरास्टाइलिस को इनहिबिट करता है इट ऑल्सो इनहिबिट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लैडर एंड रैक्टम ब्लैडर और रैक्टम के कॉन्ट्रैक्शन को भी सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट करता है जबकि हमारे पास पैरासिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम क्या कर लेता करता है इट स्टिमुलेट्स पैरेस्टॉलिस ऑफ द गेस्ट्रो इंटस्टनल इंटस्टिनल ट्रैक इट इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द स्किन विज़रल ऑर्गन जितने इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं उसको ब्लड का जो फ्लो होती है उसको ये इंक्रीज करता है स्टिमुलेट करता है नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक uh, है वो हमारे पास है सेंसरी रिसेप्टर्स एंड देयर वर्किंग हमारे बॉडी में डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स इसमें हमारे पास फ़र्स्ट वन है अलफैक्ट्री रिसेप्टर्स अलफैक्ट्री रिसेप्टर में जो कि स्मेल का रिसेप्टर है इट इज़ द रिसेप्टर ऑफ स्मेल दीज आर कीमो रिसेप्टर्स कीमो रिसेप्टर क्योंकि केमिकल से हमें स्मेल आती है तो केमिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए जो रिसेप्टर्स यूज होते हैं उन्हें कहा जाता है अलफेक्ट्री रिसेप्टर्स और ये प्रेजेंट होते हैं स्पेशली हमारे नेजल कैविटी में इसके पैथिले में प्रेजेंट होते हैं और कीमो रिसेप्टर्स को जो स्मेल ये डिटेक्ट करते हैं ये स्मेल तब आता है जब केमिकल डिजॉल्व होता है लिक्विड्स में जब ये लिक्विड वे किसी लिक्विड में डिजॉल्व होता है तो तब ये जा कि निजल के निजल में जब रिसेप्टर के साथ ये अटैच होता है तो हमें फील हो जाता है कि ये किस टाइप का स्मेल है और फैक्ट्री रिसेप्टर सेल्स आर न्यूरॉन हैविंग सीलिया एट द डिस्टल एंड हमारे पास ये एक न्यूरॉन की तरह स्ट्रक्चर होता है लेकिन इसके डिजटल एंड पे क्या होता है हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो जो है सीलिया कहा जाता है नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट रिसेप्टर जिससे हम डिफरेंट टाइप के टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे जो टंग है उसमें हमारे पास डिफरेंट रीजनस होते हैं और हर एक रीजन जो होता है वो डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट करता है लेकिन अगर हम मेनली जनरल बात करें टेस्ट रिसेप्टर्स की तो इट इज़ प्रेजेंट ऑन द सर्फिस ऑफ द टंग इसमें जो हमारे पास ग्रेन्यूज लाइक इस तरह डॉट्स होते हैं हमारे टंग पे उन्हें कहा जाता है पेपिलाए अब हमारे पास फोर डिफरेंट टाइप्स के पेपिलाए हैं फ़र्स्ट हमारे पास है फिलीफाम पेपिलाए ठीक है हमारे पास क्या है फिली फॉर्म पे जो कि कौन शेप में होता है ये हमारे पास कौन शेप्ड है और ये एक क्या प्रेजेंट होता है प्रेजेंट ऑल ओवर द टांग. इस टांग इसके बाद सेकेंड वन हमारे पास क्या है फंगी फॉर्म पे पिलाए सेकेंड हमारे पास है फंगी फॉर्म पे ठीक है फंगी फॉर्म पे पिलाए का जो शेप होता है वो मशरूम की तरह होता है इसका मशरूम की तरह प्रेजेंट शेप होता है और ये टंग के टिप्स और साइड्स पे प्रेजेंट होता है टिप्स और साइड्स पे ये फंगी फॉर्म पे पिलाए प्रेजेंट होता है थर्ड टाइप जो हमारे पास है थर्ड वन इज फोलिएट पे पिलाए ठीक है फोलिएट पर पिलाए ये हमारे पास कहाँ थे साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं साइड्स ऑफ पूरे मतलब साइड जिस तरह लेंथ होती है इसके साइड्स पे पूरे साइड्स पे ये प्रेजेंट होते हैं जरा जगह जगह प्रेजेंट नहीं होते पूरा जो होते साइड के रीजन पे प्रेजेंट होता है और हमारे पास फोर्थ वन है सरकु ठीक है नीट यहाँ लिख लेते हैं सरकम विलेट पेपल इसका जो शेप होता है वो हमारे पास फ्लैट शेप होता है ठीक है और ये टांग के बैक साइड पे प्रेजेंट होते हैं अब हमारे पास जो होते हैं डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं जहाँ हमारे पास फोर प्राइमरी टेस्ट हैं एक हमारे पास क्या है सॉर टेस्ट स्वीट सोर बिटर एंड सॉल्टी ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के टेस्ट है जो कि हमारे जो टांग है उसके डिफरेंट रीजन पर हम ये डिटेक्ट करते हैं इट कंटेन ग्रुप ऑफ बटीरियल सेल्स और द टेस्ट सेल्स जो हमारे पास टेस्ट रिसप्टर होते हैं उसमें स्पेशल टाइप के सेल्स प्रजेंट होते हैं जिन्हें टेस्ट सेल्स कहा जाता है और ये टेस्ट सेल्स एक्चुअली हमारे पास रिसेप्टरस होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं और इन्हीं टेस्ट सेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं पोर्स प्रेजेंट होते हैं इन्हें कहा जाता है टेस्ट पोर्स जिन से जो टेस्ट पोर्स हैं इनसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकलती है उन्हें कहा जाता है टेस्ट हेयर्स नेक्स्ट हमारे पास है सेंसरी रिसेप्टर्स इन स्किन स्किन में हमारे पास डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट वन हमारे पास है मेजनर्स एंड मेरकल डिस्क मेजनर और मेरकल डिस्क जो है ये हमारे पास टच के रिसेप्टर्स होते हैं इनके थ्रू हम टच को डिटेक्ट करते हैं कि हमने जिस चीज़ को टच किया है ये हमारे पास हार्ट है कोल्ड है शार्प है किस टाइप का जो स्टमोलाएँ हैं वो बॉडी ने रिसीव किया है दीज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ओवल मॉसेज ऑफ फ्लैटेंट कनेक्टिव टिश्यू सेल्स मेजनर कॉर्पसल्स आर फाउंड इन लिप्स फिंगर टिप्स पाम एंड सोल्स सेकेंड टाइप जो हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर्स जो कि स्किन में होते हैं वो हमारे पास है पेसिनियंस कॉर्पसल्स पेसिजन कॉरपसल्स आर एनकेप्सोलेटेड नर्व एंडिंगस प्रजेंट इन स्किन कंसर्न विद सन्सेशन ऑफ प्रेशर प्रेशर के सेंसेशन के साथ ये क्या होते हैं रिलेटेड uh, होते हैं जो हमारे पास है पेसिनियन कॉरपसल्स टच के जो रिसेप्टर्स होते हैं ये थ्रू आउट द बॉडी प्रजेंट नहीं होते जो हमारे पास फिंगर और लिप्स uh, और फिंगर टिप्स होते हैं इसमें ये इनकी क्वान्टिटी ज़्यादा होती हैं ऑलमोस्ट हंड्रेड पर सेंटीमीटर स्क्वेयर ये प्रेजेंट होते हैं मीन्स हंड्रेड रिसेप्टर्स होते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वेयर इन केस ऑफ फिंगर एंड फिंगर टिप्स एंड लिप्स जबकि अगर हम हैंड की बात करें तो ये हमारे हैंड के जो बैक साइड हैं उस पर ये कम हो जाते हैं टेन जो होते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वेयर ये प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा जो हमारे पास टच की जो सेंसेशन uh, होती है उसे क्या कहता कहते हैं टैक्टेशन भी कहा जाता है इसे टैक्टेशन भी कहा जाता है इसे और इसको मकैनो रिसेप्शन भी कहते हैं और मकैनो रिसेप्शन इसको मकैनो रिसेप्शन भी कहा जाता है थ्रू आउट द स्किन ये प्रेजेंट नहीं होते और अगर हमारे बॉडी पे जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं अगर हम स्किन से हेयर्स रिमूव करते हैं तो उस रिमूवल की वजह से जो टच सेंसिटिविटी होती है ये डिक्रीज़ हो जाती है और अगर हमारे टच रिसेप्टर्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं तो हमारी जो एबिलिटी होती हैं टू तो फील और मतलब जो हमारे बॉडी कोई चीज़ टच होती है उसे हम फील कर सकें तो वो एबिलिटी लॉस हो जाती है और उसे कहा जाता है टेक्टाइल एनेस्थेसिया, टेक्टाइल एनेस्थेसिया आगे यहाँ आगे वाले स्लाइड में आई प्रेस मौजूद हैं रिसेप्टर फॉर प्रेशर एंड टच और द लॉस और एम्पेयरमेंट ऑफ द एबिलिटी टू फील एनीथिंग इज कॉल्ड टैक्टाइल टनस्थीजिया पेरस्थीजिया इज सेंसेशन ऑफ टिंगलिंग ऑफ नंबनेस जो हमारे बॉडी के हमारे उसमें नंबनेस जो हो जाती है उसे कहा जाता है पेरस्थीजिया नेक्स्ट हमारे पास क्या है पेन रिसेप्टर जो कि स्किन में प्रेजेंट होते हैं पेन रिसेप्टर्स आर कॉल्ड नोजी सेप्टर्स पेन एक्सेप्ट जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको नोजी सेप्टर्स कहा जाता है प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ स्किन इन द एपिडर्मिस दीज रिसेप्टर्स आर नर्व फ्री नर्व एंडिंग्स ये हमारे पास क्या होते हैं फ्री नर्व एंडिंग्स होते हैं द मेन फंक्शन ऑफ पेन इज टू वार्म अस वॉन अर्स अबाउट डेंजर हमारे पास जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं ये हमें डिफरेंट टाइप के डेंजर जो होते हैं मीन्स जरूरी नहीं कि कोई बड़ा डेंजर हो अगर लेट सपोज हमारे बॉडी के साथ शार्पिन टच हो जाती है शार्प नीडल टच हो जाती है उसे पेन होता है जिसे नो, सेप्टर्स डिटेक्ट uh, करते हैं और इससे हमें पता चल जाता है कि ये कोई डेंजरस थिंग है हमारे लिए पेन जो होते हैं इसमें हमारे पास थ्री टाइप्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं एक हमारे पास स्किन में प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है क्यूटेनियस क्यूटेस रिसेप्टर्स क्यूटेनियस होते हैं जो कि स्किन में प्रेजेंट होते हैं दूसरा हमारे पास होते हैं सोमेटिक सोमेटिक जो होते हैं वो हमारे पास जॉइंट्स और बोन्स में प्रेजेंट होते हैं जॉइंट्स एंड बोन्स ठीक है और थर्ड बन हमारे पास जो विजरल ऑर्गन्स जो इंटरनल हमारे बॉडी में स्ट्रक्चर्स हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं तो इस तरह से जो तो हमारे पास पेन रिसेप्टर्स हैं वो थ्रू आउट द बॉडी पहले हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ क्यूटेनियस सोमेटे एंड विजरल रिसेप्टर्स थैंक यू सो मच दिस इज द एंड ऑफ योर टुडेस लेक्चर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टुडे वी विल स्टडी लेक्चर नंबर फोर ऑफ चैप्टर सेवेंटीन नर्वस कोऑर्डिनेशन दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर सेवेंटीन इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन नर्वस कॉर्डीनेशन नर्वस डिसऑर्डर्स एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड ऑल्सो वी विल स्टडीटेड टू दिसप्टर सो फर्स्ट कम टू वर्डेक्ट्स ऑन नर्वस कॉर्डिनेशन वट इज़ ड्रग ड्रग और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है ड्रग होता है उसको हम यूज़ करते हैं एज अ स्टेंट ज़रूरी नहीं होता कि ड्रग को हमेशा हम एज अ मेडिसिन यूज़ करें इसको हम यूज़ करते हैं कभी एज मेडिसिन यूज़ करते हैं तो कभी इसको हम एज अ स्टिमुलेंट यूज़ करते हैं जबकि मेडिसिन जो होता है उसको हमेशा हम ट्रीटमेंट की पर्पस के लिए ही यूज़ करते हैं कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो जो कि हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट नर्वस डिसऑर्डर्स हमारे पास ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस डिसऑर्डर्स लेकिन अगर इन्हीं ड्रग्स को हम मिस यूज़ करें तो ये क्या करते हैं सवेर किस्म के डिजीज़ कॉज कर सकते हैं जो कि नर्वस सिस्टम से ही रिलेटेड होंगे नर्विस कोऑर्डिनेशन को क्या करेंगे फिर इफेक्ट करेंगे बैडली इफेक्ट करेंगे उनमें से कुछ हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो आज हम स्टडी करते हैं वन बाई वन फर्स्ट वन इज़ हीरोइन हीरोइन हमारे पास क्या है एक इलीगल एडिक्टिव ड्रग है इलीगल मींस जो कि हमारे उसमें कानूनी तौर पर वो उसकी परमिशन नहीं होती गवर्नमेंट की तरफ से उसे कहा जाता है इलीगल और ये एक एडिक्टिव ड्रग है एडिक्टिव मींस वो ड्रग जो जिस बंदा अगर यूज़ करे तो वो उसका आदि बन जाता है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है पॉपी प्लांट से पॉपी प्लांट से डायरेक्टली इसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते पॉपी प्लांट में एक नेचुरली सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसे कहा जाता है मॉरफीन पी फ्लाटते हैं हम मॉरफीन एक्सट्रैक्ट करते हैं मॉरफीन को फिर कन्वर्ट किया जाता है इंटू हीरोइन इसके हमारे पास मेडिकल यूजेस भी काफ़ी सारे हैं फर्स्ट वन अगर हम इसकी मेडिकल यूजेस की बात करें तो फर्स्ट हमारे पास है स्ट्रॉग एनल जैसिक कहते हैं पेन किलर को मीन्स जिसको हम पेन को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है एनल तो so, को हम एज अ पेन किलर यूज़ करते हैं इट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पेन और साथ में क्रॉनिक पेन की ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं और इसके अलावा इसको यूज़ किया जाता है इंसिवियर ट्रामा माओकार्बियल इन्फेक्शन माओकार्बियल इन्फेक्शन मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ हार्ट अटैक इन विच ब्लड फ्लो द हर्ट इज डिक्रीज रिड्यूज जिसमें हार्ट तक सफिशेंट अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंचता उसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है उसे कहा जाता है मा मायोकार्डियल इन्फेक्शन उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हीरोइन को यूज़ किया जाता है इसके अलावा पोस्ट सर्जिकल पेन मीन्स जब सर्जरी होती है तो उसके बाद जो पेन होता है उसको ट्रीट करने के लिए उसको कम करने के लिए आ, क्या यूज़ होता है हीरोइन को यूज़ किया जाता है जब हम मेडिकल इसको यूज़ करते हैं तो हम इसके लिए का कवर्ड यूज़ नहीं करते मेडिकल इसका जो केमिकल नेम है वो हमारे पास है डायमॉर्फिन और डाई एसीटाइल मोरफिन डाय डायमॉर्फिन जो कि इसके जो हमारे पास जो नेचुरल सब्सटेंस है जिसके जैसे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके बेस पर रखा गया है डायमॉर्फिन या इसको क्या कहा जाता है डायसीटाइल मॉरफिन डाई इसके अलावा जो इसके मेडिकल यूज़ेज़ हैं उसमें हमारे पास क्या है कि जो एंड स्टेज कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं कैंसर के जब लास्ट स्टेज इस तक पहुँच जाता है तो उस टाइम क्या यूज़ होता है हीरोइन को यूज़ किया जाता है या डायमॉर्फिन को यूज़ किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट इसको बॉडी में मेडिकली अगर हम देखें तो हम बॉडी में इसको किस तरह से इंजेक्ट uh, करते हैं इसको हम इंजेक्ट करते हैं थ्रू स्किन स्किन के थ्रू मीन सबक्यूटेनस रूट के थ्रू इसके अलावा इंट्रामस्कुलर मसल्स में हम इसको इंजेक्ट करते हैं और इंट्रावेनस में भी हम इसको इंजेक्ट करते हैं तो ये थ्री रूट्स हैं इसके थ्रू हीरोइन या डायमॉर्फिन या डाइस्टाइमॉर्फिन को इंजेक्ट किया जाता है इनसाइड दी बॉडी फॉर मेडिकल परपसेज अगर हम इसके मिस यूज़ या एब्यूज़ की बात करें तो ये हीरोइन क्या होता है हीरोइन को ये इंजेक्ट भी किया जाता है यूजुअली इसको स्मोक भी किया जाता है मीन सिगरेट में भी इसको यूज़ किया जाता है स्मोक भी किया जाता है और इसके अलावा इसको इनहेल भी किया जाता है जिसके लिए हम यू वर्ड यूज़ करते हैं स्निफ्ट और स्नॉटेड ये जब हाँ इसका मिस यूज़ किया जाता है तो तब ये जो पाथवे हैं ये जो रूट्स हैं इसके थ्रू तो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है अगर हीरोइन को मिस यूज़ किया जाए तो इसके हमारे पास शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट भी होते हैं और इसके लॉन्ग टर्म्स इफेक्ट भी हैं मीज़ अगर हम हीरोइन को यूज़ करें कंटिन्यूसली तो शॉर्ट टाइम में हमारे पास जो इसके इफेक्ट होंगे उसमें हमारे पास आता है ड्राई माउथ डिप्रेस रिस्पायरेशन सप्रेशन ऑफ पेन इसके अलावा नोज़िया वॉमिटिंग सीवियर इचिंग स्पीनियस एबॉर्शन ये जो आपको फिगर में नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या है पॉपी प्लांट लॉन्ग टर्म्स की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म में इसके जो कंडीशन uh, होती है इसकी वजह से जो डिजीज़ होती हैं वो भी सवियर होती हैं इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एक बंदा इसका एडिक्ट हो जाता है अगर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा देर तक इसको यूज़ करें इसके अलावा जो इससे इन्फेक्श डिज़ीज़ होती हैं हमारे पास जो एक ख़तरनाक किस्म की डिजीज़ है एड एड्स जो होती हैं वो इसकी वजह से होती हैं हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन्फेक्शन ऑफ हर्ट लाइनिंग एंड बॉल्ब अर्थराइटस एंड कोलेप्सड वैन इसके साथ साथ क्या होता है एप्सेस भी होती हैं एक और डिजीज़ भी है जिसे कहा जाता है एपसेसिस एप्सिस क्या होता है ये भी हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आता है जिसमें पस फॉर्म हो जाता है या स्किन के ऊपर या इनसाइड दॉडी अगर हिरोइन को कंटिन्यूसली यूज़ किया जाए तो हमारे पास और लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ किया जाए हमारे पास ये सारे डिजीज़ हो सकती है इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कैनबस कैनबस हमारे पास क्या है हमारे पास केनबस भी एक ड्रग ही है जिसके हमारे पास टू फॉर्म्स है दो किस्म के हमारे पास दो फॉर्म्स है एक हमारे पास है मारी और एक हमारे पास है हाशिश इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है कैनबस सटाइ एक हमारे पास आ, प्लांट है जो कि आपको यहाँ पर फिगर में भी दिखाई दे रहा है कैनबस से ठीक है और इसके हमारे पास क्या है दो फॉर्म एक मारिजवाना और एक हाशिश नॉर्मल जो कॉमन लैंग्वेज है इसमें कैनबस को क्या कहा जाता है चर्स जो स्पेशली जो इसका ये वाला फॉर्म है हाशिश फॉर्म है इसको क्या कहा जाता है चर्स इट इज़ यूज एज साइको एक्टिव ड्रग साइको एक्टिव मीन्स इट इज़ यूज एज अ स्टिमुलेंट जिसकी वजह से मूड जो होता है वो चेंज हो जाता है बिहेवियर चेंज हो जाता है उस टाइप की ड्रग को कहा जाता है साइको एक्टिव ड्रग तो क्या ना पास इसको किस लिए यूज़ किया जाता है इट इज़ यूज एज अ साइको एक्टिव ड्रग इसमें जो इसका सेकेंड टाइप है हर्श इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन मोजान इट कैन बी स्मोक्ड और च्यूर बबल की तरह इसको च्यू भी कर सकते हैं और इसको स्मोकिंग मीन के सिगरेट में डाल के भी इसको यूज़ किया जा सकता है लेकिन इसके भी हमारे पास क्या है कुछ मेडिकल यूज़ हैं इसको हम क्या इसके जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारे पास क्या है नंबर फर्स्ट हमारे पास है एमेल्यूरिएशन ऑफ नोज़िया एंड वोमिटिंग एमेलोरिएशन मीन्स टू ट्रीट नोज़िया एंड वोमिटिंग इसको रिड्यूस किया जाए उसको कम किया जाए तो उसे कहा जाता है एमेलोरिएशन इसके अलावा हमारे पास क्या है स्टिमुलेशन ऑफ हंगर इन कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी के दौरान हंगर को स्टिमुलेट किया जाता है बाय द यूज़ ऑफ कैनवस ठीक है इसके अलावा हमारे पास है इट इज़ यूज टू ट्रीट लोअर्ड इंट्रा ऑक्यूलर आई लोवर्ड इंट्रा ऑक्यूलर आई जो हमारे पास है ये कौन सी डिजीज़ है ये एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है ऑप्टिक नर्व वो नर्व है जो आई और ब्रेन को आपस में कनेक्ट करता है तो जब ये डैमेज हो जाता है नर्व उसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं को ठीक है कीमोथेरापी में और एड्स में भी एड्स के पेशेंट में भी हम इसको यूज़ करते हैं इसके अलावा इट इज़ आल्सो यूज्ड एज एनल पेन किलर की तरह भी इसको हम यूज़ करते हैं और मिस यूज़ की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास आते हैं एनजाइटी डिप्रेशन सुसाइडल थाट एंड साइकोसिस ये हमारे पास क्या है अगर क्या uh, को उसको मिस यूज़ किया जाए तो हमारे पास ये सारे डिजीज़ होती हैं इसमें हमारे पास जो है साइकोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह एक ऐसी मेंटल ये डिसऑर्डर है जिसे बंदा रियलिटी से दूर चला जाता है हमारे पास क्या है एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें एक इंसान जो होता है वो रियलिटी uh, से दूर चला जाता है मतलब वो रियलिटी uh, को एक्सेप्ट नहीं करता या फिर उसे बेफिक्र हो जाता है इसके अलावा हमारे पास जो uh, इधर हमने एनजाइटी की बात की तो एनजाइटी में हमारे पास क्या आ जाता है रेस्टलेसनेस आ जाती है ठीक है रेस्टलेसनेस के बाद हमारे पास क्या आता है फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल उसे ऐसा लगता है कि वो अपना कंट्रोल कर गया इसके अलावा फेयर ऑफ़ डेथ डेथ के वो भी हो जाते हैं और पैनिक भी हो जाता है इंसान बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है पैनिक हो जाता है नेक्स्ट हमारे पास है निकोटीन निकोटीन क्या है हमारे पास एक अल्कलॉइड है जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है तोबैको लीव से तोबैको प्लांट जो होता है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है निकोटीन को और तुबैको प्लांट कौन से फैमिली से बिलोंग करता है इट बिलोंग्स टू फैमिली सोलिनेसिया ठीक है एक फैमिली है जिससे तुबैको प्लांट बिलोंग करता है और इससे एक को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसे कहा जाता है निकोटीन अल्कलॉड हमारे पास क्या होता है अल्कलॉयड हमारे पास होता है स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है अल्कलॉयड ठीक है इसके अगर हम मेडिकल यूजेस देखें तो इट इज़ यूज यूज फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स ऑफ हबिचुअल स्मोकिंग जो एडिक्टेड होते हैं स्मोकिंग के उनको उसकी एडिक्शन ख़त्म करने के लिए निकोटो निकोटीन को यूज़ किया जाता है इसके अलावा इट इज़ यूज टू स्टमुलेट रिलीज ऑफ केमिकल मैसेंजर्स फॉर एग्ज़ाम्पल स्टालकोलिन नॉन अपी एपिनेफ्रीन एपी नेफरीन सिरोटोन डोपामीन एंड बीटा एंड ये हमारे पास क्या है केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में यूज़ होते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो यूज़ होते हैं तो ये सारे इन सब को रिलीज़ करने के लिए इनको स्टिमुलेट करने के लिए निकोटीन को यूज़ किया जाता है इट आल्सो एक्ट एज अ नर्व स्टिमुलेंट एंड सेडेटिव और पेन किलर एब्यूस में हमारे पास आता है कि क्या है टॉक्सिक पॉइजन सिक्सटी मिलीग्राम विल किल एन एडल्ट निकोटीन पॉइजनिंग काजेज़ वॉमिटिंग नोजिया हैड एक डिफिकल्ट ब्रीथिंग एंड स्टमक पेन इसके अलावा हमारे पास क्या करता है प्लेसेंटा को भी डैमेज करता है और प्री मेच्योर बर्थ भी ये कॉज करता है और इसके साथ साथ जो फीटस होता है उसको भी ये डैमेज करता है क्या बहुत हमारे पास ईजी टॉपिक है आगे हमारे पास क्या है अल्कोहल अल्कोहल क्या है इट इज़ द मोस्ट हार्मफुल ड्रग इससे पहले जो हमने पढ़े इन सब में से अल्कोहल जो है ये बहुत ही हमारे पास हार्मफुल ड्रग है और ये क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में और ब्लड से फिर ये पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है और ये हमारे पास क्या होता है हमेशा इस तरह लिक्विड फॉर्म में होता है मेडिकल यूज हमारे पास क्या है कि इट इज़ यूज टू स्टमुलेट द बॉडी टू इम्प्रूव हेल्थ कंडीशन बॉडी को क्या किया जाता है स्टिमुलेट किया जाता है अगर उसकी हेल्थ कंडीशन बॉडी की ठीक नहीं होती तो इसको हम स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं लार्ज uh, क्वांटिटी में ये हार्मफुल होता है बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में इसको यूज़ किया जाता है टू इम्प्रूव हेल्थी कंडीशन ठीक है इसके अलावा इसको यूज़ किया जाता है एज एक्सलेंट सॉलवेंट फॉर ड्रग्स इसीलिए इसमें बहुत सारे ड्रॉट सॉल्व हो जाते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ मनी मेडिसन्स बहुत सारे मेडिसन्स में इसको यूज़ किया जाता है लेकिन इसको हमेशा स्मॉल क्वान्टिटी में यूज़ किया जाता है अगर इसको ज़्यादा क्वान्टिटी में यूज़ किया जाए तो फिर वो इसके मिस यूजेज में आ जाता है और फिर वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं इट्स इस आल्सो यूज एज एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक एंटी मीन्स टू किल जर्म्स यूज़ टू वॉश वर्ड्स एंटीसेप्टिक सेप्टिक इसलिए तो इसको यूज़ किया जाता है टू क्लीन वॉन्ड्स जिस तरह वार्ड में ज़ख्म होते हैं ज़म्म को साफ़ करने के लिए किसी भी किस्म के वॉन्ड को साफ़ करने के लिए क्या किया जाता है क्या जा इसको यूज़ किया जाता है और इसके अलावा अल्कोहल को जो इसके यूज़ हैं या मिस यूज़ हैं उससे हमारे पास क्या है इट इज़ यूज टू सप्रेस द सेलुलर एक्टिविटी इन ब्रेन ठीक है अगर इसको हम ज़्यादा देर के लिए यूज़ करेंगे इसका मिस यूज़ करेंगे तो ये ब्रेन की एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा एक्ट एज डिप्रेशन डिप्रेशन भी कॉज करेगा एफेक्ट जजमेंट ऑफ स्पीड बॉडी की बैलेंस ख़राब होगी इस तरह अगर बॉडी की स्पीड ठीक नहीं हो तो जज नहीं कर सकता एक इंसान कि उसको कौन से टाइम पर कौन से स्पीड से जाना चाहिए इट कॉज़ अनकॉन्शियसनेस काजेज़ मेमोरी लॉस डैमेज ऑफ दी लिवर ठीक है डैमेज ऑफ़ द लिवर हमारे पास क्या है मीन्स हार्डनिंग ऑफ द लिवर जब लीवर क्या हो जाता है हमारा हार्ड हो जाता है तो किस वजह से होता है अल्कोहल की मिसयूज़ की वजह से और लास्ट वन हमारे पास क्या है हॉलिसिनेशन हॉलिसनेशन हमारे पास एक इमेजनरी वर्ल्ड होती है जो कि इसकी वजह से फिर अगर ज़्यादा इसको यूज़ किया जाए तो फिर एक बंदा इमेजनरी वर्ल्ड में आ जाता है और वह अपनी दुनिया में फिर मस्त होता है इसके अलावा हमारे पास इसके अलावा हमारे पास ये क्या करता है विटामिन की डिफिशेंसी भी कॉज करता है क्योंकि ये अल्कोहल जो होता है वो कुछ मेडिसन्स को बहुत ईजिली उसमें क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है जिसकी वजह से विटमिनस की डिफिशेंसी भी बॉडी में कॉज होती है और इनकी वजह से बंदा जो स्पीड इसका जज नहीं कर सकता तो बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं स्पेशली वो, वो लोग जो ड्राइविंग करते हैं और ड्राइविंग से पहले अगर अल्कोहल का मिस यूज़ कर लें तो वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से बाकी लोग जानते हैं हार्ट होते हैं आगे हमारे पास है कॉमन इन्हेलेंट्स लाइक नेल पॉलिश रिमूवर्स एंड ग्लू इन्हेलेंट्स क्या हमारे पास inhalants हमारे पास केमिकल वेपर्स या गैसेस होते हैं मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स जो कि क्या वेपर्स की फॉर्म में होते हैं या गैसेस की फॉर्म में होते हैं मींस जो वोलाटाइल होते हैं जो कि ईज़िली उड़ जाते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सारे मतलब मींस गैसेस के फॉर्म में ही होंगे वो लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं लेकिन अगर उनको कुल रखा जाए तो वो वोटाइल होते हैं वो उड़ जाते हैं जिस तरह हमारे पास नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसको हमेशा क्या किया जाता है उसको डाम के रखते हैं ताकि वो उड़ उड़े ना

वो वो चीज़ें मीन जिसको हम इन्हेल करते हैं उसे कहा जाता है कॉमन इन्हीट्स ठीक है इसको क्या किया जाता है इनहेल किया जाता है क्योंकि हमारे पास वेपर्स और गैसेस के फॉर्म में मेचोरिटी प्रेजेंट होते हैं ये वो हो जाते हैं होते हैं इस ईज़िली इस वो उड़ जाते हैं और ये क्या कॉज करते हैं साइको इफेक्टिव ड्रग इफेक्ट कॉज करते हैं साइको एक्टिव इफेक्ट कॉज करते हैं अगर इसको मिस यूज़ किया जाए इफेक्ट ऑफ एब्यूज हमारे पास है प्रोड्यूस प्रोवाइड एन इंस्टेंट रश रश मींस जिस तरह अल्कोहल की वजह से बंदा स्पीड को जज नहीं कर सकता वो ओवर स्पीडिंग कर लेता है इस तरह अगर हम ये जो इन्हेरेंट्स होते हैं इसको यूज़ करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं जल्दी में हो जाता है बंदा हर चीज़ उसे जल्दी जल्दी करनी होती है इसके अलावा ये क्या कॉज करता है कॉजेस ईफोरिया ईफोरिया मीन्स एक्सट्रीम लेवल पर जब बंदा क्या हो जाता है एक्साइटेड हो जाता है या बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है उसे कहा जाता है एफफोरिया इसके अलावा इसमें क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिप्रेशन इज़ फॉलोड विच सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन ठीक है यहाँ पर मिस हो गया था फॉलोड वायलेंट बिहेवियर लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल अनकॉन्शियसनेस गिडनेस लॉस ऑफ अपीटाइट हॉलिसनेशन मीन अगेन क्या है हमारे पास इमेजनरी वर्ड होता है जिसमें बंदे को हर जगह अपने एनिमीज ही दिखाई देते हैं लॉस ऑफ मोटर स्किल्स लर्ड स्पीच हर्ट पॉलपिटेशन हार्ट पार्पटेशन मीन्स कि बंदा फील करता है कि उसका हार्ट क्या कर रहा है रेस लगा रहा है आगे हमारे पास कुछ नर्वस डिसऑर्डर्स हैं और उसको किस तरह उन डिसऑर्डर्स uh, को हम डायग्नोस uh, कर सकते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट भी हम इसमें देखते हैं डिजीजेज़ ऑफ नर्वस सिस्टम और ऑल्सो कॉल्ड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ठीक है नर्वस सिस्टम में किसी भी किस्म की नॉर्मेलिटी को न्यूलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहा जाता है न्यूरोजिकल डिसआर्डर्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप है कुछ हमारे पास क्या होते हैं वेस्कुलर होते हैं कुछ इन्फेक्शस होते हैं कुछ स्ट्रक्चरल होते हैं कुछ फंक्शनल होते हैं और कुछ डी जनरेटिव होते हैं ये हमारे पास क्या है डिफरेंट कैटेगरीज हैं और इसमें डिफरेंट डिजीजेज आते हैं जो कि हम वन बाई वन हर एक कैटेगरी का एक एक डिजीज़ पढ़ेंगे वेस्कुलर में हमारे पास आता है स्ट्रोक इन्फेक्श में हमारे पास आते हैं मैनेजाइटिस वेस्कुलर मीन जो इसके नर्वस सिस्टम के जो वेसल्स होते हैं उनमें किसी भी किस्म की अपनॉर्मिलिटी आ जाती है कोई प्रॉब्लम आ जाता है इन्फेक्शन मीन uh, कोई इन्फेक्शन कॉज हो जाता है स्ट्रक्चर मीनस कि ब्रेन के स्ट्रक्चर में किसी किस्म की डिफॉर्म डिफॉर्मेलिटी आती है या उसका फंक्शन ख़राब हो जाता है और साथ में डी जजरेटिव डिजीज़ भी होती है अब हर एक हम एक डिजीज़ पढ़ेंगे फर्स्ट वन हमारे पास है वेस्कुलर जिसमें आता है स्ट्रोक अब व्हाट इज़ स्ट्रोक स्ट्रोक क्या है हमारे पास जब हमारे ब्रेन सेल्स को सफिशेंट अमाउंट में ब्लड नहीं मिलता उन उस, उसकी वजह से अक्सर ब्रेन सेल्स क्या हो जाते हैं डाई भी हो सकते हैं हमारे पास जो स्ट्रोक हैं वो टू टाइप्स के हैं फर्स्ट वन हमारे पास है स्केम स्ट्रोक एंड सेकेंड वन इज हमारे पास है हेमरेजिक स्ट्रोक इस्केमिक स्ट्रोक जो हमारे पास है वो किस वजह से होता है जब ब्लड वेसल्स में वो ब्लड वेसल्स जो ब्रेन तक पहुँचते हैं उनमें किसी भी किस्म का ब्लड क्लाट हो जाए ब्लड जमा हो जाए उसकी वजह से जो वेसल होते हैं वो बंद हो जाते हैं ब्लॉक हो जाते हैं और ब्रेन सेल तक इजली ब्लड नहीं पहुँच सकता जिनकी वजह से ब्लड की, की सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती हैं और सेल्स जो होते हैं वो मर जाते हैं सेकेंड हमारे पास जो हेमरेजिक स्ट्रोक है उसमें क्या होता है जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रपच्चर हो जाती हैं पट जाती है और रप्चर होने रपच्चर की वजह से क्या होते हैं ब्लड जो होता है वो ब्रेन के अंदर चल ब्लीड्स द ब्रेन ब्रेन के अंदर आ जाता है जो कि हमारे पास बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है इसके अलावा हमारे पास है ट्रांजिट ट्रांजिट इस्केमिक अटैक और मिनी स्ट्रोक अगर ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू ब्रेन सेल्स फॉर शॉर्ट टाइम मीन्स जो हमारे पास ब्रीफली इंटरप्शन uh, आ जाती है ब्लड uh, सप्लाई की किसी वजह से लेकिन ये हमारे पास बहुत सीवियर कंडीशन नहीं होती क्योंकि इसमें ब्लड थोड़े ही टाइम के लिए क्या हो जाता है कम हो जाता है फिर वो वापस नॉर्मल हो जाता है सिम्टम्स हमारे पास क्या है सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक में हमारे पास है नमनेस और वीकनेस ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी स्पेशली हमारे फेस आर्म और लेग पे क्या हो जाती है हमें वीकनेस फील होती है नमनेस फील होती है फेस आर्म और लेग इसके अलावा हमें क्या होता है कन्फ्यूजन और ट्रबल इन स्पीकिंग इन विजन हमारे हमें क्या हो जाता है कन्फ्यूजन भी होती है हर चीज़ में कन्फ्यूजन फील करते हैं ट्रबल इन स्पीकिंग ठीक है ट्रबल इन ट्रबल इन स्पीकिंग ट्रबल इन विजन विज़न में या एक आई में होता है या दोनों आईज में में ट्रबल होती है दिक्कत होती है देखने में लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन और सीवियर हेड एक और हेड एक हमारे पास किसी भी कोई भी नॉन कॉज नहीं होता हमें पता नहीं चलता कि क्यों हमारे सर में दर्द हो रहा है इसके अलावा क्या होता है लॉस ऑफ बैलेंस डिजीनेस भी होती है लॉस ऑफ बैलेंस भी होता है कि हमारे पास फिगर में आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे पास टू टाइप्स के फर्स्ट वन ये वाला हमारे पास फर्स्ट वन है और जबकि ये हमारे पास क्या है सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रोक ट्रीटमेंट में क्या होता है डिफरेंट टाइप ड्रग्स यूज़ होती हैं क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स जो कि क्लॉट को ख़त्म करता है उसके उसे क्या कहते हैं थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी और इसके साथ साथ जो होता हैपरिन है, को भी यूज़ किया जाता है लेकिन सबसे पहले इसमें देखा जाता है कि जो क्लॉट है उसका साइज़ क्या है और उसकी पोजीशन क्या है उसकी लोकेशन क्या है उसके बाद क्या होता है और एज भी देखी जाती है कि कर, जो जिस पेशेंट को ये है उसकी एज क्या है तो उसके क्या किया जाता है सिटी स्कैन सबसे पहले किया जाता है ठीक है सिटी स्कैन से फिर पता चल जाता है कि कौन से जगह पर क्लॉट है और वो किस कंडीशन का है नेक्स्ट हमारे पास क्या है मेन्जाइटस मिनंजाइटस क्या होती है जो मेरीजेस होती हैं जो थ्री लेयर्स होती हैं प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है ब्रेन की उनमें इन्फ्लेमेशन होती है या किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों लेयर्स हमारे पास डोरा मीटर आर्कनॉड और पियामीटर थ्री हमारे पास लेयर्स है, हैं ब्रेन में मैनजाइज जैसे मैनजाइस बनते हैं ठीक है और ये एक प्रोटेक्टिव पूरा एक कवर है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है जब तो इसमें किसी भी किस्म का वायरस या बैक्टीरिया वा, या वायरल या बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का तो उस डिजीज़ का आ जाता है मैनन्जाइटिस ठीक है इसमें हमारी जो कंडीशन है ये बहुत ही सवियर होती है और बहुत क्या कहते हैं लेस कॉमन है मीन्स कि इसीलिए नहीं होता लेस कॉमन और इसके लिए ड्रग भी कोई ऐसा ख़ास नहीं है लेकिन ये हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है लाइफ इज़ अ लाइफ थ्रेट थ्रेटनिंग डिजीज़ क्योंकि ब्रेन जो हमारा है ये हमारा बहुत ही कॉम्प्लेक्स uh, स्ट्रक्चर है और बहुत ही डेलीकेट है और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी इसके सिम्टम्स क्या है हमारे पास इसके जो सिम्टम्स जो जल्दी अपेयर हो जाते हैं उनमें हमारे पास फ़ीवर होता है चिल्स आ जाते हैं मेंटल स्टेटस बंदे का चेंज हो जाता है और इसके अलावा वॉमिटिंग होती है नोज़िया होता है और फोटोफोबिया मीन सेंसिटिविटी टू लाइट फोटोफोबिया कैसे कहते हैं सेंसिटिविटी टू लाइट सेंसिटिविटी टू लाइट ठीक है, मीन लाइट से फोबिया हो जाता है इसके अलावा हमारे पास क्या है स्टिफ नेक, सीवियर हेड एक एगिटेशन डिक्रीज कॉन्शियसनेस रेपिड ब्रीथिंग पुअर फीडिंग ये हमारे पास क्या है कुछ ऐसे सिम्टम्स uh, हैं जो कि अर्ली साइंस हैं जो जल्दी से अपेयर हो जाते हैं इसके अलावा हमारे पास क्या है इसके ट्रीटमेंट में डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक्स यूज़ होती है स्पेशली जो हमारे पास कॉटिसकोस्टिरड है इसे यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैनजाइटस नेक्स्ट हमारे पास क्या है ब्रेन ट्यूमर ब्रेन ट्यूमर हमारे पास एक स्ट्रक्चरल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है इसमें क्या होता है एबनॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं ब्रेन के किसी भी रीजन में जब नॉर्मल डिज एबनॉर्मल डिवीजन होती है सेल्स की और ज़्यादा क्वांटिटी में सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं और वो सेल्स एबनॉर्मल होते हैं तो उसकी वजह से जो ट्यूमर प्रोड्यूस हो जाता है बॉडी में उसे ब्रेन में उसे कहा जाता है ब्रेन ट्यूबर इट मे बी बेनाइन और मिलेगनेट बेनाइन मीन्स कि जिस जगह पर ट्यूमर प्रोड्यूस हो जाता है वो आगे स्प्रेड नहीं होता तो उसे कहा जाता है नॉन कैंसरस जिस मीन इसकी वजह से कैंसर कॉज नहीं हो जाता लेकिन अगर हम नॉर्मली बिनाइन की बात करें तो एक ऐसे टाइप का ट्यूमर होता है जो कि जिस जगह पे ये प्रोड्यूस हो जाए ये सिर्फ उसी जगह तक ही लिमिटेड होता है जबकि मेलेग्नेंट जो होता है वो स्प्रेड होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर और इसलिए इसे कहा जाता है कैंसरस ठीक है इट मे बी प्राइमरी ट्यूमर और सेकेंडरी ट्यूमर प्राइमरी ट्यूमर क्या है हमारे पास वो ट्यूमर जो कि क्या हो जाता है ट्यूमर कैन औरजिनेट इन ब्रेन जो डायरेक्टली ब्रेन में ऑरिजिनेट हो जाता है उसे कहा जाता है प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर और हमारे पास सेकेंडरी ट्यूमर वो होता है जो कि दूसरे बॉडी पार्ट से स्प्रेड होकर ब्रेन में आता है डायरेक्टली ब्रेन में जो प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास होता है प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर सेकेंडरी ट्यूमर हमारे पास वो हो होता है जो बॉडी के बाकी पार्ट से स्प्रेड होके ब्रेन तक पहुंच जाता है इसके सिम्टम्स हमारे पास हैं हेडेक विजन प्रॉब्लम लॉस ऑफ सेंसेशन लॉस ऑफ movement unexplained nausea और वॉमिटिंग hearing प्रॉब्लम बिहेवियर चेंजेस confusion इन एवरीडे matters और ट्रीटमेंट में हमारे पास सर्जरी भी सी होती है इसको रिमूव किया जाता है अगर ये बिनाइन होता है तो ये कम्प्लीटली क्योर हो जाता है अगर ये मेगनेंट होता है तो ये दोबारा क्या होता है दोबारा प्रोड्यूस होता है इसके अलावा इसकी रेडियोथेरापी होती है कीमोथेरापी होती है और आगे हमारे पास है हेड एक हेड क्या है कि इट इज़ पेन एनी वेयर इन द रीजन ऑफ हेड और नेक हेड और नेक में कहीं पर भी अगर आपको पेन हो उसे कहा जाता है एक और ठीक है इट्स इट्सिया uh, अगर हम हेडेक uh, एक की बात करें तो हेड एक में हमारे पास जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं स्पेशली जो हमारे पास ब्रेन सेल्स होते हैं ब्रेन सेल्स में पेन को डिटेक्ट करने की बोनिया मीन तो पेन पेन सेंसिटिव नहीं है पे पेन रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होते लेकिन जब हमारे हेड में हमारे नेक में दर्द हो जाता है तो उसमें जो हमारे क्रैनियम में कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं क्रैनियम के अलावा हमारे पास जो पेरीऑस्टियम है स्कल का और सा पेरीऑस्टियम के साथ साथ जो हमारे डिफरेंट आर्टरीज और वेंस, वेंस होते हैं डिफरेंट हमारे पास मसल्स होते हैं नर्व्स हमारे होते हैं इन में क्या प्रेजेंट होते हैं पेन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं तो जब भी हमारे हेड और नेक में दर्द होता है तो इन एरिया में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से हम उसे फ़ील कर फील कर सकते हैं और हमारे पास जो हैड एक होता है ये डिफरेंट इसकी कॉजेज़ होती हैं मैनी कॉजेज़ होती हैं और स्पेशली ये हमारे पास एक कॉमन एरिया होता है पेन का जो हमारे पास हेड और नेक है इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है अल्जाइमर डिजीज़ अल्जाइमर डिज़ीज़ जो है ये हमारे पास एक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है ब्रेन के जिसमें जो मेमोरी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है डिस्टर्बेंस बंदा फील करता है रीजनिंग में प्लानिंग में लैंग्वेज में और परसेप्शन इन सब चीज़ों में वो डिस्टर्बेंस फील करता है क्योंकि जो मेमोरी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है इसके जो हमारे पास अर्ली साइन और सिम्टम्स हैं उसमें हमारे पास क्या है लॉस ऑफ मेमोरी ठीक है क्योंकि मेमोरी जब लॉस हो जाती है तब भी हमें रीजनिंग और इन सब चीज़ों में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है माइल्ड पर्सनैलिटी चेंजेस मेमोरी से यही सब कुछ रिलेटेड हैं अगर मेमोरी नहीं होती तो पर्सनैलिटी भी इंसान की चेंज हो जाती है इसके अलावा हमारे पास क्या है एपैथी एपैथी मीन्स एपसेंस ऑफ इमोशन एबसेंस ऑफ इमोशंस इमोशंस क्या हो जाते हैं ख़त्म हो जाते हैं और उसके क्या होता है विदड्रावल फ्राम सोशल इंटरेक्शन्स मीन सोसाइटी से बंदा दूर हो जाता है प्रॉब्लम इन थिंकिंग और इसके अलावा हमारे पास आगे हैं एगिटेशन कॉलसमनेस इरिटेबिलिटी बंदा क्या हो जाता है जगड़ा टाइप हो जाता है कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास क्या है इंक्रीज़ इन द बीटा एम प्रोटीन ये हमारे पास एक प्रोटीन है जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होता है और इसकी वजह से क्या होता है ये डिज़ीज़ uh, कॉज होती है अगर इसकी क्वांटिटी तो क्या हो जाती है ज़्यादा हो जाती है इसकी प्रोडक्शन या ये एकमुलेट हो जाता है ब्रेन में तो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं नर्व सेल्स जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है इसके अलावा हमारे पास है एज फैक्टर एज फैक्टर जो होते हैं ये भी एक फैक्टर है लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि जिनकी एज ज़्यादा होगी स्पेशली क्या होते हैं एज ऑफ़ सेवेंटी जो होते हैं मे अफेक्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ पर्सन सेवेंटी एज जो अबव होते हैं उनमें फिफ्टी परसेंट चांसेस होता है कि अल्जाइमर डिजीज़ उनको हो ठीक है लेकिन जो हमारे पास एटी फाइव परसेंट होते हैं उनमें फिर चांस ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा ऐसा ही होगा मेन जो इसका रीज़न है वो क्या है एकामोलेशन ऑफ बीटा एमोल प्रोटीन जो कि ब्रेन के सेल्स में एकामोलेट हो जाते हैं और इसकी वजह से डेथ कॉज होती है इसके बाद हमारे पास है कुछ इम्पॉटेंट एम सी क्यूज़ फर्स्ट वन हमारे पास क्या है कि स्पाइनल फ्लूइड इज़ फाउंड बिटवीन स्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो मीटर या दूरा मीटर के दरमियान होता है मीटर या अर्कनाइट मीटर के दरमियान होता है अर्कनाइट मैटर ये मीटर नहीं हमारे पास क्या है ये हमारे पास आ रहा है मैटर ठीक है एम ए टी -E ई आर ठीक है यह हमारे पास डोरा मीटर और अर्कनाइट मीटर के दरमियान होता है पियामीटर या ग्रे मैटर के दरमियान होता है तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास हैं पियामीटर एंड अर्कनाइट मैटर जो कि ऑप्शन नंबर बी है सेकंड हमारे पास क्या है कि मेजर्स कॉर्पसल्स और रिसेप्टर्स रिसेप्टर फर जो मेजर्स और पसल्स है हमारे पास वो किस चीज के रिसेप्टर है तो उसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी देंस ऑफ हेयर नेक्स्ट हमारे पास है हंगर सेंटर्स आर लोकेटेड इन हंगर के जो सेंटर होते हैं वह कहां पर मौजूद होते हैं प्रेजेंट इन हाइप नर्वस सिस्टम that prepare itself for fight and flight. the cause of nervous system hejoke, fight or flight movement, ke liye karta hai. Paas hain, sympathetic nervous system. next, mariposa and neurons that carry messages from sense organ to central nervous system is afferent. limbic system in forebrain consists of लिम्बिक सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं हाइपोथैलेमस हिपोकैम्पस एमिग्डाला या ऑल ऑफ़ दी तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज इसके बाद हमारे पास ह्यूमन बॉडी थर्मोस्टेट इज ह्यूमन बॉडी का थर्मोस्टेट हमारे पास कौन सा ऑर्गन है इट इज़ हाइपोथैलेमस थैंक यू सो मच ये आज का लेक्चर था आपका और ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ भी देख लिए